तो सर आपका स्क्रीन नहीं दिख रहा, आप फिर से शेयर दिख रहा करेंगे है ना प्लीज? सर? आई कैन सी इट, यस स्क्रीन सर, शो हो दिख रहा है रहा ना? हो रहा है ना? ओके, तो प्यारे बच्चों, हम लोगों ने लास्ट क्लास में ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी, ऐसा क्लासिफिकेशन, मैंने पिगमेंट्स के बारे में आपको बात बताई थी, है ना? यस देखो, हम लोगों ने इसके सर, बारे यस में पढ़ा था, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, एबीसीडी भी मैंने समझाई थी आपको। तो यहाँ पे क्या क्या रिजर्व फूड मटेरियल होता है ग्रीन एल्गी में, क्लोरोफाइसिन, स्टार्च और पायरेनॉइड स्ट्रक्चर के बारे में आपको मैंने बताया था कि कहाँ पे वो स्टोर करते हैं, कैसा स्ट्रक्चर होता है। सेल वॉल के बारे में हमने बात की थी, सारे एग्जाम्पल्स जो है उनके बारे में, और इवन जो रिप्रोडक्शन होता है ग्रीन एल्गी में वो जूस्पोर से होगा, असेक्सुअल, और सेक्सुअली वो आइसोगैमी, अनआइसोगैमी, ओगैमी, ये तीनों चीजें शो करते हैं, ठीक है? राइट नाउ अभी हम लोगों को पढ़ना है मेरे प्यारे बच्चों ब्राउन एल्गी के बारे में। बहुत आसान है। देखो, जब हम लोग ब्राउन एल्गी के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आपको आएगा ब्राउन एल्गी के लिए वो होगा कि ऐसा कौन सा एल्गी है जो मरीन वाटर में ही पाया जाता है, सी वाटर में ही पाया जाता है। ऑप्शन दिए जाएंगे ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी एंड रेड एल्गी। तो डेफिनेटली आंसर होगा बेटा आपका ब्राउन ब्राउन एल्गी। एल्गी। ब्राउन एल्गी डेफिनेटली बेटा बहुत ज्यादा डिफरेंट शेप एंड साइजेस में देखने को मिलते हैं, है ना? देखो, जैसे कि यहाँ पे रेंज फ्रॉम अ सिंपल ब्रांच्ड फिलामेंटस फॉर्म, ये आपको एक्टोकार्पस यहाँ पे दिखाया जा रहा है। मैंने लास्ट क्लास में ये जरूर आपको समझा दिया था कि इसको कैसे याद रखना है, जो भी एनसीईआरटी में एग्जाम्पल्स है, ठीक है? सो यू नो दिस, ठीक है? तो पहला ही बेटा एक्टोकार्पस है, बड़ा ही सिंपल होता है, बट यहाँ पे देखो ये बहुत बड़े भी होते हैं, 100 मीटर इन हाइट। मैंने लास्ट क्लास में ये भी आपको बताया था बेटा, जब स्ट्रक्चर्स में बताया मैंने। यहाँ पे एक और है केल्प्स, जो एनसीईआरटी में नहीं है, मैक्रोसिस्टिस, ये बहुत बड़े होते हैं, इनको हम लोग केल्प्स बोलते हैं। तो केल्प्स भी ब्राउन एल्गी में ही आते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे सबसे पहली चीज आती है, देखो इनमें कौन से पिगमेंट पाए जाएंगे, क्लोरोफिल ए एंड सी। चलो मैं क्वेश्चन पूछता हूँ कि ब्राउन एल्गी हैव विच ऑफ द फॉलोइंग क्लोरोफिल। ऑप्शन है ए एंड सी, ए एंड बी, ए एंड डी, ए एंड ई। आंसर क्या है आपके सामने, है ना? ए क्लोरोफिल ए एंड सी। एंड बहुत बढ़िया। बट इसके अलावा इसमें होते हैं कैरोटीनॉइड्स और जैंथोफिल्स। जब हम लोग फोटोसिंथेसिस चैप्टर पढ़ेंगे तो क्लोरोफिल क्या होते हैं, कैरोटीनॉइड्स क्या होते हैं और जैंथोफिल्स क्या होते हैं केमिकली, ये मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है? अगर मैं पढ़ाऊंगा तो देखिए भी यह सारे केमिकल्स के कंपोजिशन हम लोग देखेंगे। अभी हमें इतना ही याद रखना है कि व्हाई ब्राउन एल्गी अपीयर्स ब्राउन, ये क्वेश्चन नीट में बहुत पहले भी आ चुका है, ठीक है? व्हाई द ब्राउन एल्गी इज ब्राउन, तो अब यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर आता है बिकॉज इट हैज अ ब्राउन पिगमेंट। ओके, तो उस पिगमेंट का नाम क्या है? उसका नाम है बेटा फ्यूकोक्सैंथिन, ठीक है? क्या नाम है बेटा? फ्यूकोक्सैंथिन, ठीक है? तो फ्यूकोक्सैंथिन, इसी के वजह से यहाँ पे एक प्लांट का नाम भी देखने को मिलता है, फ्यूकस, आपको दिख रहा है ये, है ना? तो फ्यूकोक्सैंथिन ये ब्राउन कलर का पिगमेंट है, ये एक्चुअली एक ज़ैंथोफिल है। क्या बेटा? ये एक ज़ैंथोफिल है और इसीलिए ब्राउन एल्गी ब्राउन दिखता है। इट्स क्लियर? इवन बेटा आपने डेस्मिड्स के बारे में पढ़ा होगा, गोल्डन एल्गी, उनमें भी फ्यूकोक्सैंथिन पाया जाता है, वो भी ब्राउन कलर का ही देखने को मिलता है, बट इतना ही, उसमें सिलिका डिपॉजिट होता है तो वो थोड़े चमकते हैं, इसलिए उनको हम गोल्डन एल्गी कहते हैं। इजी? नाउ यहाँ पे बहुत सिंपल क्वेश्चन आपको आएगा नीट में कि व्हाई द ब्राउन एल्गी हैव अ ब्राउन कलर। आपका आंसर होगा बिकॉज इट हैज द ब्राउन पिगमेंट और सर, ब्राउन ज़ैंथोफिल। क्या नाम है बताओ? फ्यूकोक्सैंथिन। इज इट क्लियर? सबको आ यस गया, क्वेश्चंस सर, आ गए, क्लोरोफिल ए और सी है इसीलिए है, फ्यूकोक्सैंथिन है, बिल्कुल सिंपल। एग्जाम्पल मैंने बता दिए है ना, ई फॉर एक्टोकार्पस, डी फॉर डिक्टियोटा, एल फॉर लैमिनेरिया, एस ए फॉर सार्गियासमेंट, एफ फॉर फ्यूकस, ठीक है? इवन केल्प भी आप लोग इसमें ऐड कर सकते हो, ठीक है? तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे और कुछ पॉइंट्स है जो हमें पता होने चाहिए रिगार्डिंग द ब्राउन एल्गी। तो है यहाँ पे रिजर्व फूड मटेरियल, क्या आपको याद है मैंने आपको बताया था कि ग्रीन एल्गी में रिजर्व फूड मटेरियल स्टार्च और ऑयल ड्रॉपलेट्स होते हैं, है ना? लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था, यस सर, पायरेनॉइड स्ट्रक्चर हमने पढ़ा था।
तो वैसे ही यहाँ पे आपको पूछा जाएगा कि कौन से कंपोनेंट होते हैं, तो यहाँ आता है लैमिनरिन एंड मैनिटॉल, ठीक है। लैमिनरिन एंड मैनिटॉल ये दो कंपोनेंट बेटा पाए जाते हैं जो थोड़े से कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, ठीक है। ये स्टार्च के ही मॉडिफाइड फॉर्म है, बट इनका रिजर्व फूड मटेरियल या तो लैमिनरिन है या तो मैनिटॉल है। इजी, नॉर्मल, ठीक है। और एक डिफरेंस, ग्रीन अल्गी में सेल वॉल बना था सेलुलोज और पेक्टोज से, यहाँ पे क्या है, द वेजिटेटिव सेल हैव अ सेलुलोजिक वॉल कवर्ड बाय जिलेटिनस कोटिंग ऑफ एल्जिन। तो इस एल्गी का सेल वॉल थोड़ा अलग है ग्रीन एल्गी से, क्यों, क्योंकि इसका सेल वॉल सेलुलोज से ही बना है, बट उसके ऊपर एल्जिन ये सब्सटेंस से इसका कोटिंग होता है। आपने लास्ट क्लास में पढ़ा एल्जिन एक कमर्शियली इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है, बराबर है, जो हमें फायदा देता है, ठीक है। सो यहाँ पे एल्जिन बेटा चीज यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी सेल वॉल में। यहाँ कुछ पॉइंट दिए हैं जैसे कि प्रोटोप्लास्ट कंटेंस प्लास्टिड्स सेंट्रल वैक्यूल एंड न्यूक्लियस, तो बेटा ये सारे ही एल्गी में मोर ओवर पाया जाता है। प्लास्टिड्स का मतलब ही क्लोरोप्लास्ट है, इसमें इतना ये कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं लगता एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये डिफरेंस में नहीं आता। बट एक और चीज आपको यहाँ पे एल्गी में देखने को मिलेगी, अगर आप ये लैमिनेरिया का स्ट्रक्चर देखते हो, इसमें एक बड़ा सा लीफ लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है जिसको फ्रॉन्ट कहते हैं, बीच में बेटा स्टैक है उसके स्टीपे कहते हैं, और बेटा नीचे है अटैचमेंट के लिए होल्ड फास्ट। तो जब भी आप प्लांट बॉडी देखोगे ब्राउन एल्गी, तो इट हैज होल्ड फास्ट फॉर अटैचमेंट टू द सबस्ट्रेटम, ठीक है। सबस्ट्रेटम को जैसे प्लांट्स को रूट्स होते हैं, वैसे ही बेटा होल्ड फास्ट है अटैचमेंट के लिए, ठीक है। हैज अ स्टैक कॉल्ड एज अ स्टीपे एंड द लीफ लाइक फोटोसिंथेटिक ऑर्गन दैट इज कॉल्ड द फ्रॉन्ट। फ्रंट को ही हम लोग लैमिना कहते हैं, फ्रंट को ही क्या कहते हैं बेटा हम लोग लैमिना, ठीक है। तो ब्राउन एल्गी में तीन पार्ट होते हैं, एक होता है बेटा फ्रंट, एक है स्टीपे, एक है होल्ड फास्ट। आपको एक मैं क्वेश्चन पूछता हूँ सिंपल, ब्राउन एल्गी का है ना ऐसे पार्ट का नाम बताओ जो कि उसे सबस्ट्रेटम को अटैच करने में मदद करता है, क्या आंसर? होल्ड फास्ट। होल्ड फास्ट, बहुत आसान, ठीक है। दूसरा, ब्राउन एल्गी में आप ये चीज बताओ कि कौन से पार्ट में फोटोसिंथेसिस होता होगा मैक्सिमम? फ्रॉन्ट। फ्रॉन्ट, लैमिना, लैमिना या फ्रॉन्ट, ठीक है। आप कुछ पूछना चाहते हो बेटा? सर सबस्ट्रेटम क्या होता है? सबस्ट्रेटम मतलब कोई भी जगह जहां पे ऑर्गेनिज्म अटैच हो, जमीन, पत्थर, लकड़ी, जो भी हो, ठीक है। अलग 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 ऑर्गेनिज्म से, अलग अलग स्पीसीज से कहीं ना कहीं अटैच रहते हैं, ठीक है। तो सबस्ट्रेटम का मतलब है कि वही कोई भी सब्सटेंस है ना, या सबस्ट्रेटम, सबस्ट्रेटम का मतलब, स्ट्रेटा का मतलब होता है लेयर, और सबस्ट्रेटम है ना ऐसा कंपोनेंट, ऐसा सब्सटेंस जिसका स्ट्रेटा यूज किया जा रहा है, दैट इज व्हाट सबस्ट्रेटम, यस और नो, ठीक है। सो एनीवे, अब यहाँ पे बड़ा सिंपल एग्जांपल्स कौन कौन से हैं, एक्टोकार्पस है, डिक्टियोटा है, लैमिनेरिया, सार्गासम, फ्यूकस। अगर आपको अभी तक एग्जांपल तो याद हुए होंगे, नहीं भी हुए होंगे तो बेटा ऑप्शन में दिखेंगे, इडली साहब याद आएगा तो क्लिक हो जाएगा, ठीक है। वैसे रटने की जरूरत नहीं है क्योंकि लिखना तो है नहीं, आपको दिखते ही समझ में आएगा हाँ ये आता है। अच्छा मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, ऐसा कौन सा ब्राउन एल्गी है, केल्प, देखो केल्प एक बहुत जनरलाइज्ड टर्म है, किसी एक सिंगल एल्गी को हम लोग केल्प नहीं कहते, एक एग्जांपल मैंने दे दिया आपको केल्प का। अच्छा मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, आपके सामने स्क्रीन पे है वो आंसर, मुझे एक बात बताओ, कैन यू टेल मी एनी एल्गी है ना जिसके लैमिना में या फ्रंट में एयर स्पेसेस या एयर ब्लैडर होते हैं? यस, ये क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, यू कैन सी हियर एयर ब्लैडर आपको दिखाई, मैंने तो इवन ओरिजिनल पिक्चर उठा के लाया है ताकि आपको रियली में देखने को मिलेगी यार एयर ब्लैडर दिखते कैसे उसके फ्रंट के ऊपर, दिख रहा है आपको, ठीक है, साफ दिखाई दे रहा है एयर ब्लैडर, बराबर है। सो एयर ब्लैडर वाला बिल्कुल डेफिनेटली जब भी क्वेश्चन आएगा तो आपको डेफिनेटली बेटा फ्रंट में आपको ये चीज देखने को मिलेगी ऑफ द फ्यूकस, इज इट क्लियर, ठीक है। सो ये है कुछ पॉइंट अबाउट द स्ट्रक्चरल पॉइंट। अब आते हैं ये तो एक्टोकार्पस और ये है आपका सार्गासम, ठीक है, दो एग्जाम्पल और भी यहाँ पे आपको दिख रहे हैं पक्का। अब आते हैं बेटा हम लोग इसके नेक्स्ट पॉइंट पे ऊपर, देखो यहाँ पे हम लोग देखेंगे प्यारे बच्चों
रिप्रोडक्शन क्या होगा इसमें, बड़े इंपॉर्टेंट है। इसमें भी एल्गी जैसा, ग्रीन एल्गी जैसा फ्रेगमेंटेशन होता है, इसमें भी ग्रीन एल्गी जैसा ही बेटा बायोफ्लैजेलेट जूस पोर्स बनते हैं, बट एक थोड़ा सा फर्क है। क्या फर्क है? इसके जो जूस पोर्स होते हैं वो पायरीफॉर्म या पियर शेप्ड होते हैं ऐसे, ग्रीन एल्गी के जो होते हैं वो ऐसे होंगे, ठीक है, इनमें दोनों में फर्क है। दूसरा फर्क क्या है, इसमें सिर्फ दो ही फ्लैजेला होते हैं, वो भी अनइक्वल लेंथ के, है ना, अनइक्वल लेंथ के। ग्रीन एल्गी में क्या था, है ना, दो हो सकते हैं, चार हो सकते हैं, छह हो सकते हैं, आठ हो सकते हैं, ठीक है, 2 to 8 इतने हो सकते हैं ग्रीन एल्गी में, इसमें होते हैं ओनली 2। और एक खास बात, इसके जो भी फ्लैजेला होते हैं वो हमेशा अपाइकल पॉइंट पे आते हैं, ऊपर आते, ये देखो लैटरल है, लैटरल, ठीक है, साइड में आए हैं। और एक पॉइंट है, इसके दोनों फ्लैजेला की लेंथ एक जैसी नहीं है, इसलिए वो अनइक्वल है। तो आपको याद रखना है कि इसमें पियर शेप्ड जूस्पोर बनेंगे, दो अनइक्वल लैटरल फ्लैजेला आपको आपको देखने को मिलेंगे, 2 अनइक्वल लैटरल। ग्रीन एल्गी में कैसा बेटा, 2 to 8 इक्वल एंड अपाइकल, ऐसा हुआ आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, विल सी दैट, इज इट क्लियर। डिफरेंस दोनों में है, दोनों में जूस्पोर है, बट दोनों के फ्लैजेला का पोजिशनिंग, नंबर, लेंथ अलग अलग है, और इवन बेटा जूस्पोर का शेप बिल्कुल फिक्स है यहाँ पे, पियर शेप्ड। आपको जब भी पियर शेप्ड वर्ड दिखेगा, पी फॉर पियर शेप्ड, पी फॉर पीओफाइसी, याद रखो, ठीक है, बी केयरफुल। नाउ अभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में अगर हम बात करते हैं, तो इसमें आता है बच्चों आइसोगैमस कंडीशन भी है, अनआइसोगैमस कंडीशन भी है, और ओगैमस कंडीशन में, जैसे कि ग्रीन एल्गी में भी था, ठीक है, ग्रीन एल्गी में भी था यही चीज। यहाँ पे डिफरेंस आपको जो याद रखना है वो ये है, इसमें जो गैमेट्स बनते हैं आर पियर शेप। अब ये पायरीफॉर्म का मतलब ही क्या होता है, पियर शेप, पायरीफॉर्म का मतलब पियर शेप, ठीक है, पियर आपने फ्रूट देखा होगा तो ऐसा ही वो होंगे, बियरिंग 2, देखो लैटरली अटैच्ड फ्लैजेला, इसमें भी 2 फ्लैजेला होंगे, अनइक्वल फ्लैजेला होंगे। जब भी आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर्स, मोटाइल स्ट्रक्चर बनेंगे, ब्राउन एल्गी में मोटाइल स्ट्रक्चर्स पायरीफॉर्म होते हैं, पियर शेप्ड होते हैं, क्लियर है। नाउ माय क्वेश्चन इज, है ना, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गी पायरीफॉर्म जूस्पोर्स और गैमेट्स आर फाउंड, ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी, बताओ आंसर। ब्राउन एल्गी, ब्राउन एल्गी, ब्राउन एल्गी, सिंपल, यही नीट है बेटा, यही नीट है, है ना, नीट का मतलब ही ये है मेरे प्यारे बच्चों। तो आपको ये क्लियर आ गया, समझ में आ गया, बहुत ही बढ़िया है, कोई मुश्किल बात ही नहीं है। नेक्स्ट मूव, अभी नेक्स्ट चीज ये है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे आते हैं रोडोफाइसी के पास। रोडोफाइसी बहुत सिंपल है, इसमें क्या करना है आपको, इसमें याद रखना है पहले तो, जैसे कि ब्राउन एल्गी ब्राउन क्यों है, तो उसमें फ्यूकोक्सैंथिन पिगमेंट है, वैसे ही बेटा ये जो रेड एल्गी रेड क्यों होते हैं, बिकॉज दे हैव अ रेड थैलाई ड्यू टू द रेड पिगमेंट कॉल्ड एज आर फाइकोएरिथ्रिन, ठीक है। अब ये फाइकोएरिथ्रिन नाम का पिगमेंट बेटा यहाँ पे प्रेजेंट होता है, पक्का? यस सर। किधर प्रेजेंट होता है सर? हेलो तो प्यारे बच्चों, फाइकोएरिथ्रिन ये जो नाम मैंने अभी आपको बताया, आपको एक चीज मैं पहले बता दूं, देखो जैसे कि क्लोरोफिल होते हैं, कैरोटीनॉइड होते हैं, या ज़ैंथोफिल होते हैं, वैसे ही और पिगमेंट्स होते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं फाइकोबिलिन। क्या बोलते हैं उनको हम लोग? फाइकोबिलिन। और दो प्रकार के फाइकोबिलिन पाए जाते हैं, एक एक होता है फाइकोसायनिन, और दूसरा होता है फाइकोएरिथ्रिन। फाइकोसायनिन ब्लू कलर का पिगमेंट होता है और फाइकोएरिथ्रिन रेड कलर का, ठीक है। तो सारे ही एल्गी में फाइकोसायनिन और फाइकोएरिथ्रिन पाए जाते हैं, मतलब फाइकोबिलिन्स पाए जाते हैं रेड एल्गी में,
है, ठीक है? इज इट क्लियर? क्या हुआ? नो क्या? साक्षी क्या बोलना चाहती है? सर ये फाइकोबाइलिन और फाइकोसाइनिन पिगमेंट का नाम है? यस, फाइकोबिलियंस के दो प्रकार के पिगमेंट पाए जाते हैं, एक होता है फाइकोसाइनिन और एक होता है फाइकोएरिथ्रिन। अब आते हैं बेटा हम थोड़ा से इसके फ्लैशबैक में। अगर आपने किंगडम मोनेरा पढ़ा हो तो उसमें आपने पढ़ा होगा साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया को हम जनरली ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं। उनमें भी बेटा ये फाइकोबिलियंस पाए जाते हैं जिनको हम लोग सी फाइकोसाइनिन या सी फाइकोएरिथ्रिन बोलते हैं। सी का मतलब ही होता है साइनोबैक्टीरियल फाइकोसाइनिन या फाइकोएरिथ्रिन। देखो साइनिन इज अ ब्लू कलर, एरिथ्रिन इज अ रेड पिगमेंट। अभी फाइको मतलब एल्गी, एल्गी में मिलने वाला ब्लू पिगमेंट फाइकोसाइनिन, एल्गी में मिलने वाला रेड पिगमेंट मतलब फाइकोएरिथ्रिन। बट अगर उसके सामने R लिखा हो तो इसका क्या मतलब होगा? रोडोफाइसियन, मतलब रेड एल्गी में पाया जाने वाला, समझ रहे हो? और अगर उसके सामने C लिखा हो तो उसका क्या मतलब होगा? क्लोरो, है ना, साइनोबैक्टीरिया, साइनोफाइसी में पाया जाने वाला। इतना क्लियर है? बट आपको ये समझना है कि साइनोबैक्टीरिया, साइनो मतलब ब्लू, तो उनको हम लोग बोलते हैं ब्लू ग्रीन, बराबर? ब्लू ग्रीन तो वो ब्लूइश दिखते हैं, ये रेडिश दिखते हैं। क्या फर्क होगा, कौन बताएगा? रेड पिगमेंट, दोनों में ही दोनों पिगमेंट है। अच्छा। उसमें ब्लू पिगमेंट ज्यादा है एज कम्पेयर टू रेड पिगमेंट, इसमें साइनोबैक्टीरिया में। और इसमें क्या होता होगा? रेड पिगमेंट इज मोर एज कम्पेयर, हाँ एग्जैक्टली, ठीक है? तो ये दोनों में ही दोनों पिगमेंट पाए जाते हैं, बट कॉन्सेंट्रेशन कितना है किसका ज्यादा, उस हिसाब से उसका कलर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है? चलो ये एक चीज हो गई, why they are red, answer is they have a phycoerythrin, इसीलिए। दूसरा है majority are marine, अभी यहाँ पे बहुत important, majority are marine मतलब कुछ आपको red algae fresh water में भी मिलते हैं, ठीक है? और सबसे बढ़िया कि ये especially in the warmer areas मतलब जहाँ गर्म पानी होता है, warmer water होता है, वहाँ पे ये पाए जाते हैं। आपको मैं question पूछता हूँ, Which of the following algae are found in the warmer water bodies? Answer, green algae, red algae, brown algae. बोलो। Red algae. Red algae. ये एक possible question है बेटा NEET का, अभी तक पूछा नहीं है बट पूछना तो चाहिए यार, ठीक है? वार्मर वाटर में पाए जाने वाले हैं, ठीक है? अब यहाँ पे एक और बढ़िया सा फंडा मैं आपको बताता हूँ, ये मिटा देता हूँ। सर हाँ बोलिए। सर आपने जो ब्राउन एल्गी बताया था वो टोटली पूरा मरीन वाटर है? देखो यहाँ पे हम लोग बोलते हैं रेयर, रेयर का मतलब क्या है? अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आए विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सक्लूसिवली मरीन, तभी आपको ब्राउन एल्गी बोलना है। होता क्या है, है ना, अभी ब्राउन एल्गी के केस में नॉर्मली बेटा अगर हम लोग को देखना है कि एक हाथ दो ऐसी स्पीसीज आपको देखने को मिलेगी जो फ्रेश वाटर में, तो इसलिए वो बहुत रेयर है, ठीक है? मोस्टली मतलब वहीं पे देखने वाले, है ना, ये है। यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि सम ऑफ देम आर, यहाँ रेयर वर्ड नहीं यूज करेंगे, सम, हमारी एनसीईआरटी बहुत पिक्युलर, ये दिखाऊंगा मैं आपको एनसीईआरटी में कैसे लिखा है इसको, ठीक है? तो मेजोरिटी आर मरीन यहाँ पे हम लोग बोलते हैं, और स्पेशली इन वार्मर एरियाज, बट सम आर इन द फ्रेश वाटर। सो दे अकर इन बोथ वेल लाइटेड रीजन्स क्लोज टू द सर्फेस ऑफ वाटर and at a great depths in oceans where relatively the little light penetrates. अब ये concept क्या है बता है? इसको बोलते हैं Guidikow's effect. क्या बोलते हैं इसको? Guidikow's effect. क्या होता है पता है ये? मैं आपको बताता हूँ। जब आप समुन्द्र में कूदोगे, वापस आना है, कूदोगे मतलब जाने बस हो गया अभी, ऐसा नहीं, ठीक है? So be positive. तो बेटा जब भी हम लोग समुद्र में कूदेंगे और नीचे 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 डेप्थ में जाएंगे तो हमें एक बड़ी अजीब सी चीज देखने को मिलेगी, पता क्या है? कि जो ऊपर ऊपर जो एल्गी आपको देखने को मिलेंगे जो सरफेस के पास, वो बहुत ज्यादा ब्लू कलर के हैं, ब्लूइश आपको उनको, है ना, कलर देखने को मिलेगा, और रेडनेस उनमें कम है, बहुत ज्यादा ब्लूइशनेस है। बट बेटा
जैसे जैसे आप डेप्थ में जाओगे वैसे वैसे एल्गी बहुत ज्यादा रेडिश दिखते जाते हैं। इसी को हम लोग गॉडिकोज इफेक्ट कहते हैं। ऐसा क्यों होता है आपको ये पता होना चाहिए। सर, क्योंकि सनलाइट का इफेक्ट ज्यादा। सनलाइट, बिल्कुल सनलाइट के वेवलेंथ का प्रॉब्लम है। देखो ये सारे फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म है, इनको लाइट चाहिए, ठीक है। तो वहां पे बेटा उनके पास वो पिगमेंट जरूर अवेलेबल होगा जो है ना उस वेवलेंथ पे कारगर हो। सो रिलेटिवली लाइट, लिटिल लाइट पेनिट्रेट्स, तो आपको पता होना चाहिए। अगर हम 500 मीटर 500 मीटर सरफेस से अंदर जाते हैं समुन्द्र में, तो बियॉन्ड 500 मीटर बेटा घना अंधेरा है, उधर लाइट नहीं मिलेगा, है ना। डेप्थ में बिल्कुल लाइट जा ही नहीं पाता ना, उतना पेनिट्रेट ही नहीं हो पाता। और सो दैट जैसे जैसे आप डेप्थ में जाओगे वैसे वैसे बेटा एल्गी अपने कलर को बदलता चला जाता है। एक्चुअली गॉडिको नाम के साइंटिस्ट ने ये सबसे पहले फिनोमिनॉन साइनोबैक्टीरिया के लिए ही बताया था, ठीक है। साइनोबैक्टीरिया को इसने ऑब्जर्व किया और ये चीज उन्होंने बताई। अभी एनसीआरटी हमारी जो है ना गड़ी है ना, सीधा सीधा बोलना चाहिए कि गॉडिको इफेक्ट है, लाइट इफेक्ट, तो उन्होंने ऐसा नहीं लिखा। अड़ा ड्रामेटिक है ना, दे अकर इन बोथ वेल लाइटेड रीजंस क्लोज टू द सरफेस ऑफ वाटर एंड एट अ ग्रेट डेप्थ्स इन ओशन। यहाँ पे उसने ये गॉडिको इफेक्ट बताया, रिलेटिवली लिटिल लाइट पेनिट्रेट्स, बराबर। तो उसके साथ साथ वो कलर चेंज करता चला जाता है। आपके बेटा 12th स्टैंडर्ड के सिलेबस में इकोलॉजी चैप्टर है, उसमें इस चीज को उन्होंने फिर एलाबोरेट किया है एनसीईआरटी में ही। बट वो हम जब 12th में पढ़ेंगे तो बेटा मैं क्या करता हूँ 11th की ये बात फिर से रिपीट कराता हूँ। बच्चों आपको याद है मैंने एल्गी पढ़ाते वक्त बताया था गॉडिकोज, ऐसा बोलता हूँ, ठीक है। तो उस समय ये याद आना चाहिए, हाँ सर हाँ सर हाँ सर, यस 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 गॉडिकोज इफेक्ट, ठीक है। इज इट क्लियर? नाउ आई विल आस्क अ क्वेश्चन। बेटा आप लोग मुझे बता सकते हो विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गी शोज दिस गॉडिकोज इफेक्ट? ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी, रेड एल्गी एंड ब्लू ग्रीन एल्गी, बोथ? रेड एल्गी। नहीं आपने ऑप्शन सही ढंग से सुने ना, मैंने ऑप्शन डी बोला था कि रेड एल्गी एंड ब्लू ग्रीन एल्गी बोथ, ठीक है। तो मतलब साइनोबैक्टीरिया में एक्चुअली ये पहले पढ़ा गया था, तो ये इफेक्ट एक्चुअली उनमें वहां पे आपको देखने को मिलता है। इजी, दोनों में मिलेगा, रेड एल्गी में भी मिलता है और यहाँ पे भी मिलता है। तो जो एल्गी सरफेस के पास दिखाई देंगे उनमें फाइकोसायनिन ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू फाइको एरिथ्रिन। क्लियर है? फिर एक बार बोलू, जो एल्गी सरफेस पे मिलेंगे उनमें फाइकोसायनिन ज्यादा होगा, एरिथ्रिन कम होगा, इसलिए वो ज्यादा ब्लू दिखाई देते हैं। बट जैसे जैसे डेप्थ में जाएंगे एरिथ्रिन का प्रोपोर्शन साइनिन के प्रोपोर्शन से बढ़ता चला जाता है। एवरीवन इज क्लियर? यस, है ना। आगे बढ़ते हैं। अच्छा यहाँ पे आते बेटा, अच्छा ओहो ये है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे एक और फंडा आपको देखने को मिल रहा है, मोस्ट ऑफ देम आर मल्टी सेलुलर, ठीक है। सानिया कुछ पूछ रही है, सर कैन वी से दैट एज वी गो इन द डेप्थ द कलर ऑफ एल्गी बिकम्स डार्कर? डार्कर तो नहीं बोल सकते, ऐसा नहीं है ना, रेडिश होता चला जाएगा वो। हाँ लाइक दैट यू कैन से, बट यू नो द ब्लू, अभी ब्लू भी तो डार्क ब्लू हो सकता है। यस और नो? एनीवे ओके सर, सो मोस्ट ऑफ दिस एरियस मोस्ट ऑफ देम आर मल्टी सेलुलर। देखो यहाँ पे ये भी पॉइंट है बेटा, देखो अगर आप देखोगे तो ग्रीन एल्गी में यूनिसेलुलर, कॉलोनी वाले, मल्टी सेलुलर सब देखने को मिलते हैं, सारी वैरायटी ग्रीन एल्गी में है। ब्राउन एल्गी में मोस्टली बेटा मल्टी सेलुलर ही होते हैं, यूनिसेलुलर रेयर है। बट रेड एल्गी में फिर वैसा ही पॉइंट है वाटर जैसा ही, कि बहुत सारे वो मल्टी सेलुलर होते हैं, बट सम ऑफ देम आर यूनिसेलुलर रेड एल्गी ऑल्सो देयर, ठीक है। आपको याद है कलरलेस रेड एल्गी, बता सकते हो ना आप लोग? मैंने आपको बताया था पैरासिटिक रेड एल्गी, कौन सा था रही है? आरवेला, याद आता है ना। मैंने दो एल्गी बताए पैरासिटिक, एक का नाम था सेफैल्यूरियस जो टी प्लांट के ऊपर डिसीज कॉज कराता है ना। बट हार्वेला इज अ रेड एल्गी, ये खुद बेटा कलरलेस होता है और ये रेड एल्गी के ऊपर ही बैठता है, ठीक है। तो यानी वे बहुत सिंपल है बेटा ये, ओके। सम हैव अ कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। अब इसमें कुछ ऐसे एल्गी हैं जिनकी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन बहुत कॉम्प्लेक्स है। अभी कॉम्प्लेक्स का मतलब है जैसे ह्यूमन बींग की बॉडी है,
पहले मतलब मोरूला बना, ब्लास्टूला बना, अलग अलग स्ट्रक्चर्स यहाँ पे बनते चले जाते हैं और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बॉडी स्ट्रक्चर्स आपको इनके केस में आपको देखने को मिलेंगे एज कम्पेयर टू द अदर टू एल्गीज. ठीक है, तो दे आर मोर एडवांस्ड, आपको दिखाई दे रहा है ये कंटिन्यूटी में आता है. नाउ द फूड इज स्टोर्ड एज अ फ्लोरिडियन स्टार्च. यहाँ पे आया बेटा पॉइंट, द फ्लोरिडियन स्टार्च का क्या मतलब है यार? फ्लोरिडियन स्टार्च इज डिफरेंट फ्रॉम द क्लोरोफाइसिन स्टार्च, है ना? क्यों? क्योंकि इट इज स्ट्रक्चरली सिमिलर, वेरी सिमिलर टू द अमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन. देखो, ग्लाइकोजन जो कि ह्यूमंस में लीवर में स्टोर होता है, बराबर है, अमाइलोपेक्टिन स्टार्च का ही पार्ट है. बट होता क्या, अभी ये देखो इनके केमिकल स्ट्रक्चर हम लोग पढ़ेंगे इन चैप्टर बायोमोलेक्यूल. बायोमोलेक्यूल, बायोमोलेक्यूल नाम का बेटा जो चैप्टर है उसमें हम लोग डेफिनेटली पढ़ेंगे अमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन के बारे में. उस समय में ये बोलूंगा कि हाँ, हमने रेड एल्गी में पढ़ा था भाई फ्लोरिडियन स्टार्च, है ना, और फ्लोरिडियन स्टार्च जो है अमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन जैसा होता है. अभी मैं तो एक क्वेश्चन आपसे पूछ सकता हूँ कि बेटा फ्लोरिडियन स्टार्च केमिकली कौन से कंपोनेंट जैसा हो सकता है? अगर कोई ऑप्शन दे दूं जैसे कि अमाइलोज, उसके बाद में पेक्टोज, उसके बाद में सेल्यूलोज और उसके बाद में अमाइलोपेक्टिन, तो आपको क्या आंसर चुनना है? अमाइलोपेक्टिन, ठीक है, या तो ग्लाइकोजन. ये दोनों ही स्ट्रक्चरली सेम होते हैं, थोड़ा बहुत डिफर होता है इनमें भी, अमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन में. सो दैट विल सी इन द चैप्टर बायोमोलेक्यूल्स. ठीक है, डन. तो ये है मेरे प्यारे बच्चों बहुत ही सिंपल पॉइंट. अभी यहाँ पे जो याद रखना है, आपको बोलना है पोपो जी जी, या तो आप बोल सकते हो पोजी पोजी, या बोल सकते हो जिपो जिपो, या बोले जी जी पोपो, जो बोलना है बोलो, है ना. बट आपको याद रखना है कि यार ये पोपो जी जी है क्या? पो फॉर द पॉलीसाइफोनिया, जी फॉर द पो फॉर द अनदर पो फॉर द पोरफायरा, अनदर जी फॉर द ग्रेसिलेरिया एंड अनदर जी फॉर द जेलिडियम. आप मुझे बता सकते हो आपने पॉलीसाइफोनिया कहाँ सुना है? वेयर यू हैव हर्ड अब पहले, इससे पहले? तो आंसर आता है सर, जब आपने हैप्लोडिप्लोंटिक लाइफ साइकिल के एग्जाम्पल बताए थे कि ऐसे एल्गी के नाम बताओ जो हैप्लोडिप्लोंटिक लाइफ साइकिल शो करते हैं. आंसर है पॉलीसिफोनिया, एक्टोकार्पस एंड केल. याद है? Yes, ठीक है. दूसरा, क्या आपको ये याद है आपने पोरफायरा पहले कब सुना है? लास्ट क्लास में ही आपने सुना. मैंने बताया था कि 70 डिफरेंट स्पीसीज जो है एल्गी के, वो एज ए फूड यूज किए जाते हैं. और उसमें जो पहला एग्जाम्पल मैंने बताया था वो पोरफायरा ही तो है. ठीक है, पोरफायरा इज एडिबल, है ना, एडिबल एल्गी. पॉलीसाइफोनिया शोज हैप्लोडिप्लोंटिक लाइफ साइकिल. अच्छा, इतना तो आप बताओगे. हाँ बोलिए. हाइप्लोडिप्लोंटिक एक बार समझा सकते हैं? आप तब अब्सेंट थी क्या बेटा? शायद से सर, क्योंकि मेरे को याद नहीं. तो फिर आप एक काम करो, क्योंकि ये बहुत बड़ा कंसेप्ट है और इसको बिना पढ़े आप इसको प्लांट किंगडम को पूरा अच्छे से नहीं समझ पाओगे. तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि अपना पहला लेक्चर आप जरूर देख लो बेटा सही ढंग से, और अगर कोई डाउट है तो आप पूछो. कल ही डाउट सेशन है, अगर शायद कल के इसमें आप हो मार्गदर्शक में तो आप ज्वाइन होकर पूछ सकती हो. बट पहले मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि वो आप जरूर बेटा वो लेक्चर पूरा देख लो. शॉर्ट में नहीं होता ना बेटा, वही तो प्रॉब्लम है. जिसने भी अटेंड किया होगा वो हैप्लोडिप्लोंटिक लाइफ साइकिल को शॉर्ट में नहीं देखो, मैं यही तो बता रहा हूँ. अगर शॉर्ट में होता तो मैं दो शब्द में बता देता था. ठीक है, मुद्दा ये है कि ये कंप्लीट प्रोसेस है, इसको आपको बहुत बेसिक से समझना पड़ेगा, और वो भी इन कॉन्ट्रास्ट टू द हैप्लोंटिक और डिप्लोंटिक लाइफ साइकिल देख करके फिर हैप्लोडिप्लोंटिक को समझना होगा. हम लोग एक बात करने वाले हैं, जब भी ब्रायोफाइट पढ़ेंगे उसमें हैप्लोडिप्लोंटिक लाइफ साइकिल डेफिनेटली डिस्कस करेंगे. बट मैं ये चाहता हूँ कि आप वो पहले उसको देखो, है ना, वो कम से कम 1 आवर पूरा, है ना, कंसेप्ट है. ठीक है, उसको आप वैसे ही देखो.
है ना, यहाँ पे जिन्होंने वो क्लास अटेंड किया है वो जानते हैं मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। मतलब एकदम माइटोसिस मियोसिस से कार्यक्रम शुरू होगा और बाकी सब होगा, तो हो सकता है आपने वो क्लास ही नहीं अटेंड किया हो। तो मैं यहाँ पे आपको ये चीज बताने जा रहा हूँ मेरे प्यारे बच्चों कि पॉलीसिफोनिया, एक्टोकार्पस और केल ये एल्गी होने के बावजूद हैप्लोडिप्लोंटिक लाइफ साइकिल के एग्जांपल्स है। पोरफायरा एडिबल है, ये आपने देखा। नाउ आपको याद है जेलीडियम और ग्रैसिलेरिया मैंने कहाँ पे बताया था, क्या यूज है बेटा इसका? सर आइसक्रीम में और आइसक्रीम में, बढ़िया। एगार, एगार बिल्कुल ठीक है। तो ये जो एगार कंपोनेंट है डेफिनेटली ठीक है, ये चीज हमको है ना इससे मिलती है। सो राइट नाउ विल मूव अहेड बेटा यहाँ पे मुद्दे पे आते हैं। ओके तो देखो अगर हम रिप्रोडक्शन के बारे में बात करें तो इस देखो वैसा ही फ्रेगमेंटेशन तो है, नॉर्मल पॉइंट है ये, है ना, फ्रेगमेंटेशन आपको दिखाई दे रहा है, नो इश्यू। दूसरा आप सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, इसमें बनते हैं नॉन मोटाइल स्पोर्स। अब यार ये क्या चीज है यार नॉन मोटाइल स्पोर्स, है ना, मतलब आपको तो मैंने पढ़ाया है ए प्लैनोस्पोर्स, है ना, ए प्लैनोस्पोर्स। अब बेटा देखो ए प्लैनोस्पोर्स का मतलब क्या है, है ना, मैंने आपको एक पॉइंट उस दिन बताया था कि रिप्रोडक्शन में दो स्टेटमेंट हमें हमेशा याद रखने हैं, वो कौन सा है? एक पहला स्टेटमेंट बताओ, स्पायरोगायरा डू नॉट हैव एनी मोटाइल गैमेट, ये वाला बराबर। और दूसरा स्टेटमेंट क्या था? रेड एल्गे डू नॉट हैव एनी मोटाइल स्टेज, डू नॉट प्रोड्यूस एनी मोटाइल स्टेज। तो बेटा अगर एनी मोटाइल स्टेज उसमें नहीं होती तो स्पोर भी कैसे हो सकता है, तो इसका मतलब इसमें जूस्पोर नहीं बनता। तो चलो एक नीट का क्वेश्चन बना लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गी डू नॉट हैव जूस्पोर्स? रेड एल्गी, ब्राउन एल्गी, ग्रीन एल्गी, बताओ आंसर क्या होगा? रेड एल्गी, रेड एल्गी, रेड एल्गी में बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि मोटाइल स्पोर हो ही नहीं सकता, और जूस्पोर तो मेरे प्यारे बच्चों मोटाइल स्पोर होते हैं। चलो दूसरा है, अभी यहाँ पे एक और बड़ी बात है, इसमें जो है सिर्फ ऊगैमी होती है, रिकलेक्टेड। ग्रीन एल्गी में आइसो अनाइसो ऊगैमी तीनों होता था, ब्राउन एल्गी में आइसो अनाइसो ऊगैमी तीनों होता है, बट रेड एल्गी में सिर्फ ऊगैमी होती है। और उसमें मजेदार बात क्या है, अगर आपको याद आता होगा मैंने ऊगैमी के लिए तीन कंडीशन बताई थी, कौन कौन सी है? मेल गैमेट शुड बी मोटाइल, मेल गैमेट शुड बी स्मॉल एंड मोटाइल, बराबर, ये ऊगैमी की कंडीशन है ठीक है। और अनाइसोगैमी में सॉरी मतलब दूसरा, फीमेल गैमेट शुड बी लार्ज एंड नॉन मोटाइल, लार्ज एंड नॉन। और तीसरी कंडीशन क्या थी? फर्टिलाइजेशन शुड ऑलवेज टेक प्लेस इन फीमेल, बराबर ठीक है। तो ये तीन चीजें मैंने बताई थी। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, ये ऊगैमी तो शो करता है बट इसका मेल गैमेट नॉन मोटाइल है, वो कंडीशन फॉलो नहीं कर रहा जो मैंने बताई थी। तो मैंने उस दिन भी ये बताया था कि अगर इन तीन में से कोई दो कंडीशन भी सही से फॉलो हो रही है तब भी उसे मैं क्या कहता हूँ, ऊगैमी कहता हूँ। तो इनके केस में मेल गैमेट जो है, इनके केस में मेल गैमेट छोटा और नॉन मोटाइल होता है ठीक है, फीमेल गैमेट लार्ज और स्टैटिक ही होता है, नॉन मोटाइल, बट फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन द फीमेल सेक्स ऑर्गन। तो क्योंकि ये है ना सारी कंडीशंस को फॉलो कर रहा है, सिर्फ ये कि मोटिलिटी नहीं है मेल में ठीक है, तब भी बेटा ये ऊगैमी को सेटिस्फाई करता है, इसलिए हम लोग सिर्फ इसको ऊगैमी ही कहते हैं, इसमें आइसोगैमी और अनआइसोगैमी आपको नहीं देखने को मिलेगी। इज इट क्लियर? ठीक है, सो दैट इज व्हाट द पॉइंट यू हैव टू अंडरस्टैंड अभी, है ना। अब इसमें एक और मुद्दा है, इट ये बड़ा ही सिंपल है, इट हैज अ कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट। अभी जैसे आप ह्यूमन बीइंग के बारे में भी पढ़ोगे, जायगोट बनता है, जायगोट के बाद मोरूला आता है, मोरूला के बाद ब्लास्टुला, ब्लास्टुला के बाद गैस्टुला, ऐसे स्टेजेस बनते बनते हैं, गिल्स होते हैं, टेल होता है, आगे चल करके वो भी नष्ट हो जाते हैं। तो बड़ा ही कॉम्प्लेक्स डेवलपमेंट होता है ह्यूमंस का या एनिमल्स का, एज कम्पेयर प्लांट में बड़ा थोड़ा सा, जो लोअर प्लांट है उनमें बड़ा सिंपल सा डेवलपमेंट होता है, बट इसमें ऐसा नहीं होता। मैं आपको क्वेश्चन पूछता हूँ, नीट का एक क्वेश्चन आपको आ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गी शोज
पोस्ट फर्टिलाइजेशन कॉम्प्लेक्स चेंजेस, पोस्ट फर्टिलाइजेशन कॉम्प्लेक्स चेंजेस, ऐसा क्वेश्चन आएगा नीट में, है ना। ऑप्शन होंगे ब्राउन एल्गी, ग्रीन एल्गी, रेड एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी। क्या आंसर दोगे आप? रेड एल्गी। देखो मैं जो कर रहा हूँ ये बड़ा ध्यान से सुनना और समझना, मैं एनसीईआरटी के ही हर एक स्टेटमेंट को एक प्रॉपर क्वेश्चन में कन्वर्ट कर रहा हूँ। ये सर दो कोई एक क्वेश्चन आ जाएगा, क्योंकि जो मैंने बनाया है वही आपने बनाया है ना, तो ये इसी में से कोई क्वेश्चन आएगा। दैट्स इट, हमारे 4 मार्क्स रेडी है। सो आगे चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। सर मतलब ये दोनों मोड से रिप्रोड्यूस करते हैं? कौन सा दोनों मोड? एसेक्सुअल। दोनों मोड क्या होता है? हाँ सभी हो रहा है, सारी एल्गी में ऐसा हो रहा है। सर आपका क्वेश्चन क्या था? सभी एल्गी। क्या बेटा? सर आपका क्वेश्चन क्या था? मैंने सुना ही नहीं। क्वेश्चन बड़ा सिंपल था। क्वेश्चन ये था कि कौन सा एल्गी पोस्ट फर्टिलाइजेशन कॉम्प्लेक्स डेवलपमेंट करता है, मतलब जायगोट बनने के बाद में एकदम कॉम्प्लेक्स स्टेजेस कौन शो करता है। ठीक है, तो आंसर है बेटा रेड एल्गी। ठीक है, इज इट क्लियर? ओके सर, थैंक यू। ओके, नाउ यहाँ पे आया बेटा ये सादा सा पॉइंट देख लो, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी। अब कंपैरेटिवली हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट, इसको कॉमनली ग्रीन, इसको ब्राउन और इसको रेड एल्गी कहते हैं। इसी कोई बड़ी बात नहीं है। अब आते हैं बेटा एबीसीडी वाला पॉइंट। इसमें है क्लोरोफिल ए एंड बी, इसमें है क्लोरोफिल ए एंड सी, इसमें है क्लोरोफिल ए एंड डी। और बेटा पिक्यूलर पिगमेंट, ये है ब्राउन पिगमेंट फ्यूकोक्सांथिन, रेड पिगमेंट फाइकोएरिथ्रिन। डन? इतना तो याद है आपको, इतना कॉन्फिडेंस है? सर ग्रीन पिगमेंट मतलब क्या होगा? क्या बोल रहे हो सर? मतलब क्लोरोफाइसी में ग्रीन पिगमेंट का वो नाम नहीं है कुछ? ग्रीन पिगमेंट यही है ना बेटा, क्लोरोफिल ए और बी, यही ग्रीन है। ठीक है, इसके अलावा ज्यादा कोई पिगमेंट्स और क्या बेटा? जैसे ब्राउन एल्गी का वो, हाँ वही तो। देखो अगर ये ग्रीन ही होते, अगर फ्यूकोक्सांथिन नहीं होता तो ये भी ग्रीन ही है, क्योंकि क्लोरोफिल ए ग्रीन होता है। ठीक है, अब ये ब्राउन, ब्राउननेस आपको इसमें देखने को मिलेगा। ये इसीलिए, ये भी ग्रीन होता अगर फाइकोएरिथ्रिन नहीं होता तो। ये क्यों ब्राउन दिखता है? क्योंकि इसमें फ्यूकोक्सांथिन ऐड हो गया। ठीक है, बहुत ज्यादा अमाउंट में होता है और इसमें बेटा फाइकोएरिथ्रिन ऐड हो गया, तो इसीलिए ये तो ग्रीन का ग्रीन दिखता है, इसलिए इसमें कुछ ऐड नहीं हुआ। इसमें एडिशन हुआ इसलिए ब्राउन दिखता है, इसमें एडिशन हुआ इसलिए रेड दिखता है। आर यू श्योर? यस सर, थैंक यू। ओके, सो यस एक्चुअली सारे ग्रीन है बेटा, क्योंकि ये प्लांट है, ये फोटोसिंथेसिस करते हैं, ऑल ऑफ देम आर ग्रीन, है ना। बट देखो ग्रीननेस को हाइड कर रहा है, क्योंकि ब्राउन पिगमेंट ऐड हो गया तो ग्रीननेस को हाइड करके वो ब्राउनिश दिख रहा है। ठीक है, रेड एल्गी में ग्रीन है वो, बट ग्रीननेस को हाइड करके क्या हो रहा है, जैसे अभी मैंने गॉडिकोस इफेक्ट भी बताया था कि अगर फाइकोसाइनिन का अमाउंट बढ़ गया तो वो ब्लूइश दिखाई देता है, ब्लूइश ग्रीन दिखाई देगा। ठीक है, और अगर बेटा अगर वो एरिथ्रिन का अमाउंट बढ़ गया तो बेटा वो रेडिश दिखाई देने लग जाएगा। दैट इज व्हाट द पॉइंट, अमाउंट ऑफ पिगमेंट डिसाइड्स इट्स अपीयरेंस। इज इट? नेक्स्ट, अब आते हैं बेटा स्टोर्ड फूड की तरफ। इसमें क्या क्या जमा होता है बता दो? क्लोरोफाइसिन स्टार्च एंड ऑयल ड्रॉपलेट, ये इसका स्टोरेज है। इसमें क्या होता है? मैनिटॉल और लैमिनेरिन, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है ये। और इसमें क्या है बेटा? फ्लोरिडियन स्टार्च। बताओ तो ये फ्लोरिडियन स्टार्च कैसा होता है? लाइक अमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन। यस, अभी पढ़ा हमने, है ना, तो ये तीनों में डिफरेंस है। बढ़िया है। अच्छा सेल वॉल की तरफ आते हैं। इसका सेल वॉल जो है सेलुलोज और पेक्टोज से बना हुआ है। इसका सेल वॉल सेलुलोज और एल्जिन से बना हुआ है। और इसका सेल वॉल बेटा सेलुलोज प्लस एगार, ये चीज से बना हुआ है। ठीक है, मतलब अगर आप देखो तो तीनों पिगमेंट वाइज डिफरेंट है, तीनों ही रिजर्व फूड के हिसाब से भी डिफर करते हैं और तीनों ही सेल वॉल के हिसाब से भी डिफर करते हैं। करेक्ट है ना? और एक डिफरेंस देखो, जब इनकी मोटाइल स्टेज देखेंगे हम लोग
तो इसमें हमेशा 2 to 8 इक्वल और अपाइकल पोजिशन आपको देखने को मिलेगी। अपाइकल पोजिशन पे 2 फ्लैजेला है या 4 फ्लैजेला, बट अपाइकल होते हैं और दोनों इक्वल लेंथ के फ्लैजेला होते हैं। अगर आप इसमें देखोगे तो आपको पायरीफॉर्म मतलब पियर शेप तो दिखाई देगा ही, बट उसमें अनइक्वल और 2 ही फ्लैजेला आपको देखने को मिलेंगे और लैटरली अरेंज है। देखो 2 अनइक्वल लैटरल, इसमें क्या है 2 to 8 इक्वल अपाइकल। यस अच्छा, या तो बेटा कोई मोटाइल स्टेज होती नहीं, रेड एल्गी डू नॉट हैव एनी मोटाइल स्टेज, बराबर। इज इट क्लियर? ये पॉइंट अभी बताया मैंने। अच्छा यहाँ पे आते हैं हैबिटेट के केस में, ये फ्रेश वाटर में भी मिलेंगे, सॉल्ट वाटर में भी मिलेंगे, ब्रैकिश वाटर में भी मिलेंगे, ठीक है। अगर हम लोग बात करते हैं ब्रैकिश वाटर का मतलब क्या है, हाँ बोलिए। ना ना ऋषिता कुछ बोल रही है, ऋषिता बोलो। सलाइन वाटर ब्रैकिश। ब्रैकिश वाटर क्या मतलब मैं बताने वाला था, आप यू बोलिए क्या सर। एपिकल का क्या मतलब होता है? हैबिटेट का मतलब है कि वो कहाँ रहते हैं, कहाँ पाए जाते हैं। हैबिटेट नहीं सर, एपिकल। एपिकल अपिकल का मतलब होता है एट द टर्मिनल पोजिशन, ठीक है, एट द टर्मिनल पोजिशन। लैटरल का मतलब होता है साइड में, ठीक है, एट द टर्मिनल पोजिशन। एकदम मतलब क्या बोलेंगे, आपके सर के ऊपर अगर बाल है तो अपाइकल पोजिशन पे है, ठीक है। लैटरल हैंड्स आर लैटरल, है कि नहीं? दैट इज व्हाट द पॉइंट वी हैव टू अंडरस्टैंड। यस सिंपल, वेरी सिंपल। हाँ बोलो आयन। नथिंग सर। ओके सो प्यारे बच्चों यहाँ पे मुद्दे पे आते हैं कि डिफरेंस देखो। हाँ अब यहाँ पे एक शब्द लिखा हुआ है, क्या है बेटा? रेयर। फ्रेश वाटर में ये रेयरली आपको देखने को मिलेंगे, रेयर, ठीक है। फ्रेश वाटर में बेटा आपको यहाँ पे कुछ कुछ एग्जांपल्स आपको देखने को मिलते हैं रेड एल्गी में, बट ब्राउन एल्गी में बहुत मुश्किल है बेटा, कोई वेराइटी आपको ब्राउन एल्गी की मरीन वाटर में देखने को नहीं मिलती, ठीक है। दे कैन बी फाउंड इन द फ्रेश वाटर, सॉल्ट वाटर, ब्रैकिश वाटर, ये होगा ग्रीन एल्गी के लिए। अब मेरे sir, प्यारे बच्चों ब्रैकिश वाटर का मतलब क्या है? हाँ बोलिए सर। अगर क्वेश्चन आया कि ब्राउन एल्गे का हैबिटेट क्या है, तो आंसर मेनली क्या आना चाहिए? आंसर तो बिल्कुल सिंपल है, दे कैन बी रेयरली फाउंड इन द फ्रेश वाटर और दे आर एक्सक्लूसिवली मरीन, ये आपको लिखना है ना। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसके बेसिस पे बेटा मैं आपको ये बता रहा हूँ, पक्का है ना। अगर आपको कभी भी ये पूछा जाए कि एक्सक्लूसिवली मरीन कौन सा एल्गी है, तो आपको चांस नहीं है दूसरा, आपको सिर्फ ब्राउन एल्गी ही बोलना है। ये सर है ना, देयर इज नो अदर वे। बट अब मैं यहाँ पे ये बता रहा हूँ कि एनसीईआरटी ने लिखा है रेयर। अब रेयर का मतलब है कि आपको एक हाथ दो स्पीसीज आपको फ्रेश वाटर में मिल सकती है, ठीक है, बट ये बहुत रेयर चीज। दूसरा यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो चीज है, इसमें आपको 2-4 ऐसे स्पीसीज देखने को मिलेंगे, सम रेड एल्गी यू कैन सी इन द इवन आपका फ्रेश वाटर, बाकी विद मोस्ट ऑफ देम आर इन द सॉल्टी वाटर, मतलब मिलेंगे राइट नाउ। ये क्लियर है? एक है बेटा जिसमें 100% फ्रेश वाटर, सॉल्ट वाटर, ब्रैकिश वाटर, दूसरे बेटा रेयर है वर्ड, और तीसरे में वर्ड है सम। तीसरे में वर्ड क्या है? सम, पक्का। अब आते हैं यहाँ पे ब्रैकिश वाटर का मतलब क्या है। ब्रैकिश वाटर का मतलब होता है ना वो ओशन के वाटर से ज्यादा खारा है और ना ही बेटा फ्रेश वाटर जितना है ना लेस ऑस्मोलैरिटी वाला है, मतलब जिसकी ऑस्मोलैरिटी, जिसका बेटा ऑस्मोलैरिटी सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन फ्रेश वाटर से ज्यादा होता है और बेटा ओशन या मरीन वाटर से कम होता है, ऐसे वाटर को हम ब्रैकिश वाटर कहते हैं। ऐसा वाटर खास करके बैकफ्लो में देखने को मिलता है, मतलब समंदर का पानी बैकफ्लो आ गया और एक गड्ढे में जमा हो गया, वहां पे बेटा फ्रेश वाटर भी आके जमा हो गया, तो ऐसे जगह पे आपको पानी मिलेगा, या तो जहाँ पे नदियां समुंदर से मिलती है, ठीक है, लगूम्स जिनको हम लोग बोलते हैं, या डेल्टा प्लेसेस जिनको हम लोग बोलते हैं, वहां पे बेटा आपको ब्रैकिश वाटर देखने को मिलता है। यस समझ गए? तो ये है बेटा नॉर्मल पॉइंट। हाँ बोलिए सर। ऑस्मोलैरिटी क्या होती है? ऑस्मोलैरिटी मतलब मैंने अलग से बताया कि सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है,
सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा पानी का. सर और यहाँ देख लो बेटा, यहाँ पे आई ए और ओ ये लिख रहा हूँ मैं. ये क्या है आई ए ओ, क्या हो गया बताओ? एल्गी में, ग्रीन एल्गी में लिखा मैंने, उसके बाद में ब्राउन एल्गी में मैंने लिखा बेटा आई ए ओ, ठीक है. और यहाँ पे लिखा बस सिर्फ ओ, क्या मतलब है आपको समझना चाहिए. अभी डिस्कस किया था हमने रिप्रोडक्शन, आइसोगैमी, अनआइसोगैमी, ओगैमी, इसमें भी वही है और इसमें सिर्फ ओगैमी है. दैट्स इट. इज इट क्लियर? नेक्स्ट. अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ बेटा, इसमें इस केस में ये लिखू, यहाँ लिखूंगा ज़ूस्पोर्स, यहाँ पे भी लिखूंगा बेटा ज़ूस्पोर्स, बट यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं? प्लैनोस्पोर्स. बहुत बढ़िया, ये हो गया कंपेरेटिव. ये आपके एनसीईआरटी का चार्ट है और इसी से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं मेरे प्यारे बच्चे, इसी से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं. आप अगर एक दो बार भी इस चार्ट को सही ढंग से देखो और विद एग्जांपल्स, आपको याद है, आपको पोपो जीजी पता है, आप इडली साहब पता है, बाकी जो एग्जाम्पल है वो इसमें नहीं है, वो सारे ग्रीन एल्गी में है. वॉलवॉक्स है, क्लोरेला है, साइनो जो जो क्या बोलते हैं सिनोबियम वाला वॉलवॉक्स हो गया, उसके बाद स्पायरोगायरा है, यूलोथ्रिक्स है, यूडोरिना है, ऑल दीज, कारा है, ऑल दीज आर द ग्रीन एल्गी. डन, वेरी गुड. सो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट द एल्गी. ये सारी चीज जो मैंने आपको बताई बेटा वो एल्गी के बारे में है. इज इट क्लियर? ठीक है, क्या आपको एल्गी के बारे में कोई डाउट है? ना मैंने पॉसिबल सारे क्वेश्चन भी बताए, क्या क्या क्वेश्चन नीट में आ सकते हैं. ऑल क्वेश्चंस आई हैव टोल्ड यू. यस, ओके. तो अब बेटा हमारा एक तो ग्रुप हो गया जिसमें हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल होती है और बाकी भी एग्जांपल्स हमने देखे. अब मुद्दा आता है बेटा दूसरे प्लांट ग्रुप का जिसका नाम है ब्रायोफाइट्स. तो दैट वी हैव टू स्टडी अबाउट द ब्रायोफाइट्स. ठीक है, आपको मैं याद दिला दू कि एल्गी में जो सेक्स ऑर्गन्स पाए जाते हैं वो बेटा यूनिसेलुलर और जैकेटलेस होते हैं. ठीक है, उनके ऊपर कोई कोटिंग नहीं होती और सिंगल सेल के होते हैं. ठीक है, ये एल्गी में पाया जाता है. ठीक है, बट अगर आप देखोगे तो ब्रायोफाइट में बेटा यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे ब्रायोफाइट में मल्टी सेलुलर सेक्स ऑर्गन्स पाए जाते हैं. जैसे कि मैंने आपको पहले भी बता के रखा हुआ है, कि इनका जो लाइफ साइकिल होता है वो हैप्लो डिप्लोंटिक लाइफ साइकिल होता है. ठीक है, सो ये शो करते हैं बच्चों हैप्लो डिप्लोंटिक लाइफ साइकिल. देखो हैप्लो डिप्लोंटिक लाइफ साइकिल जब मैंने समझाया था तो मैंने आपको ये बताया था कि दो प्रकार की जनरेशन होंगी. कौन कौन सी होती है दो प्रकार की जनरेशन? एक होती है गैमेटोफिटिक जनरेशन और दूसरी होती है बेटा स्पोरोफिटिक जनरेशन. यस, है ना? एक जनरेशन क्या है बेटा? गैमेटोफिटिक जनरेशन. और दूसरी जनरेशन क्या है? स्पोरोफिटिक जनरेशन. पक्का? पक्का, है ना? सो यहाँ आपके सामने है ना एक चित्र है, एक डायग्राम है, आप देख पा रहे होंगे. जो ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये जो ग्रीन है बेटा ये गैमेटोफाइट है. दिस ग्रीन स्ट्रक्चर इज गैमेटोफाइट. ये ग्रीन क्या है? गैमेटोफाइट. और ये आपको दिखाई दे रहा है ब्राउनिश कलर का स्ट्रक्चर? यस सर, ये है स्पोरोफाइट. ठीक है, तो यहां समझना है कि गैमेटोफाइट जो है इसका डोमिनेंट होता है और ग्रीन होता है, फोटोसिंथेटिक होता है. ठीक है, और जो स्पोरोफाइट होता है ना वो बेचारा रिसेसिव है, मतलब खुद का खाना खुद नहीं बना सकता. और ये पैरासिटिक है. पैरासिटिक है मतलब ये गैमेटोफिटिक के ऊपर ग्रो होता है, गैमोफाइट के ऊपर ग्रो होता है, गैमेटोफाइट के ऊपर ग्रो होता है, खुद का खाना खुद नहीं बना सकता. ठीक है, इसीलिए इसको हम लोग पैरासिटिक बोलते हैं, क्योंकि ये सारी चीजें वाटर, मिनरल, फूड सब ग्रीन एल्गी, ग्रीन जो सॉरी गैमेटोफाइट है उसी से लेगा. तो ऐसे दो आपको जनरेशंस आपको देखने को मिलेंगे हैप्लो डिप्लोंटिक लाइफ साइकिल में. वन इज गैमेटोफिटिक जनरेशन, अनदर इज अ स्पोरोफिटिक जनरेशन. नाउ दोनों ही जनरेशन को हम लोग वन बाय वन अभी पढ़ेंगे, आराम से, ध्यान से, है ना, बिल्कुल सिंपली,
पहले तो हम लोग ब्रायोफाइट के बारे में, सबसे पहला मुद्दा आपको नीट में जो क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है वो ये है कि ब्रायोफाइट में कौन से प्रकार का लाइफ साइकिल आपको देखने को मिलेगा। आपका आंसर होगा हैप्लो डिप्लोन्टिक लाइफ साइकिल, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आता है कि ऐसा प्लांट का ग्रुप बताओ जिसमें गैमेटोफाइट डोमिनेंट और इंडिपेंडेंट और ग्रीन होता है और स्पोरोफाइट उसके ऊपर डिपेंडेंट होता है। ऐसे ग्रुप का नाम पूछेंगे, ऑप्शन में देंगे बेटा एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म। आपके सामने आंसर है, आंसर क्या है बेटा? ब्रायोफाइट, ब्रायोफाइट है ना। दो क्वेश्चन और ये दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नीट के फॉर द ब्रायोफाइट, पक्का। देयर शुड बी नो एनी कंफ्यूजन, यस और नो, एवरीवन इज क्लियर, है ना? yes, तो आगे बढ़ते हैं। यस, बहुत बढ़िया। चलो अब बेटा सबसे पहली बात आती है, हम लोग है ना ब्रायोफाइट को क्या बोलते हैं? हम लोग ब्रायोफाइट को बोलते हैं एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। क्यों? क्योंकि ये जमीन के ऊपर ग्रो जरूर होते हैं बट इनका फर्टिलाइजेशन के लिए बेटा दे ऑलवेज नीड वाटर। अगर बेटा पानी नहीं मिला तो वाटर नहीं अवेलेबल है या ह्यूमिडिटी अवेलेबल नहीं है तो बेटा इनका फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकता। जैसे फ्रॉग्स है या एम्फीबियन एनिमल्स होते हैं जो जमीन पे जरूर रहते हैं बट रिप्रोडक्शन करने हमेशा ब्रीडिंग के लिए पानी में ही जाएंगे, ठीक है? सो दैट इज व्हाट दे आर कॉल्ड एज द एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। तो ये एक बहुत ही पंचट सा क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम, ठीक है? ये क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन है यार? इससे भी थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन हो सकता है, व्हाई दे आर कॉल्ड एज एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। तब तो आप आंसर दे सकोगे। आंसर क्या होगा? बिकॉज दे नीड वाटर फॉर देयर फर्टिलाइजेशन। क्लियर है? Yes, sir. Clear है ये question? Yes, sir. ये दो possible question है, नीट के possible question, correct है? Now, they occur in dam. Dam मतलब अंधेरा होगा, जहां पे छाव होगी, humid, बहुत ज्यादा humidity होगी, shaded, छाव में, अंधेरे में, ठंडी जगह, ज्यादा वहां पे बहुत ज्यादा बारिश होती है वहां पे। अगर आप मसूरी, ऊटी, ऐसे जगह, उड़ग मंडलम जो है, ऐसे ऐसी जगह घूमने जाओगे पहाड़ों पे, ठीक है, वहां पे मैनग्रूव नहीं है, मैनग्रूव अलग है, ठीक है, ऐसी जगह पे ये आपको छोटे छोटे बेटा पौधे ब्रायोफाइट्स के देखने को मिलते हैं। इजी, ये आपको बहुत क्लियर होना चाहिए, ठीक है? सो दे ऑकर इन डैम्प, ह्यूमिड एंड शेडेड लोकेलिटीज, हमेशा ऐसी जगह पे। बारिश बहुत तेज होती है ना, उसके बाद में ब्रिक्स के ऊपर, दीवारों के ऊपर बेटा इस तरह से वो ग्रो हो जाते हैं। नदी के किनारे जो पत्थर होते हैं उनके ऊपर ये देखने को मिलेंगे, वुड्स के ऊपर बेटा वो देखने को मिलेंगे, ठीक है? और सर, ये ऐसी ही जगह रहेंगे। एक्सक्यूज मी सर। हाँ सर, तो मतलब ये जो रॉक्स पे आते हैं तो इसको एल्गी नहीं बोलते हैं? जरूरी नहीं बेटा, वो एल्गी भी हो सकते हैं, ठीक है? आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि उसके ऊपर स्पोरोफाइट ग्रो हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है? ऑन दैट यू कैन अंडरस्टैंड, ठीक। बट देखो ना, ये एल्गी से बड़े होते हैं, अलग ही स्ट्रक्चर, ऐसे स्ट्रक्चर दिखाई देंगे, आप खुद ही समझ जाओगे देखते ही, ठीक है? आप खुद ही समझ जाओगे ये एल्गी लग रहा है आपको, एल्गी ऐसा नहीं होता, ठीक है? एल्गी तो फिलामेंटस होते हैं अलग, सो बी केयरफुल अबाउट दिस, यू नो। चलो आगे चलते। आयन कुछ पूछना चाहते थे? नो, ओके। तो मेरे प्यारे बच्चों अब थोड़ा ध्यान देना। देखो, जब हम लोग इनके बारे में बात करेंगे, ब्रायोफाइट्स के बारे में, तो हमें बॉडी इज मोर डिफरेंशिएटेड देन दैट ऑफ द एल्गी, मतलब एल्गी से ये बहुत ज्यादा वेल डेवलप्ड होते हैं, अच्छे से इनकी बॉडी डेवलप होती है। बट इट इज अ थैलस लाइक एंड प्रोस्ट्रेट एंड इरेक्ट। देखो, अब इसमें जो थैलस बनता है, थैलस का मतलब ही ये है क्योंकि इनमें ना स्टेम होगा, ना रूट होगा, ना लीफ होगा, ठीक है? इसीलिए इसको हम थैलस बॉडी कहते हैं, थैलोफाइटा ये वर्ड हम लोग यूज करते हैं। तो एंड अटैच्ड, देखो, इट इज थैलस लाइक एंड प्रोस्ट्रेट एंड इरेक्ट एंड अटैच्ड टू द सबस्ट्रेटम बाय द यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर राइजोइड। अब ये राइजोइड का मतलब क्या होगा? रूट जैसा, राइजोइड मतलब रूट जैसा स्ट्रक्चर। तो इट कैन हैव द रूट लाइक स्ट्रक्चर, इज इट क्लियर? पक्का? मतलब आपको ये सारी चीजें अब मैं बताऊंगा, यूनिसेलुलर राइजोइड कहाँ होते हैं, मल्टीसेलुलर राइजोइड क्या होते हैं, या तो मैं ये बताऊंगा कि प्रोस्टेट स्ट्रक्चर का मतलब क्या है या इरेक्ट स्ट्रक्चर का मतलब क्या है,
नाउ हम लोग दैट वी आर गोइंग टू स्टडी. ठीक है, नाउ सी, दे लैक ट्रू रूट्स. इनमें ट्रू रूट्स नहीं होते, ट्रू स्टेम नहीं होते, ट्रू लीव्स नहीं होते. मतलब जो आजू बाजू में आप पेड़ पौधे दिखते हैं ऐसे नहीं दिखते, ये बहुत छोटे होते हैं. ठीक है, हैप्लोइड बॉडीज होती है. ठीक है, तो ये इनमें बेटा रूट स्टेम लीव्स नहीं होता. हाँ, इनमें जो कुछ भी होता है वो रूट लाइक लीफ लाइक स्टेम लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं. मतलब ये जो आप देख रहे हो ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर है क्योंकि ये हैप्लोइड है. ये जो देख रहे हो ये स्टेम लाइक स्ट्रक्चर है क्योंकि ये हैप्लोइड है. ये राइजोइड्स है, रूट जैसा है. हम लोग जो प्लांट देखते हैं उनमें रूट होता है वो डिप्लॉयड होता है, स्पोरोफिटिक पार्ट है. ये गैमेटोफाइट है बेटा. तो इनके जिंदगी में दो जनरेशन आपको देखने को मिलेगी, एक गैमेटोफाइट और एक है बच्चों स्पोरोफाइट. गैमेटोफाइट ग्रीन है, डोमिनेंट है, इंडिपेंडेंट है. स्पोरोफाइट रिसेसिव है, कमजोर है, डिपेंडेंट है, नॉन ग्रीन है, पैरासिटिक है. तो हमेशा बेटा स्पोरोफाइट आपको गैमेटोफाइट के ऊपर ग्रो होते हुए दिखाई देगा, बात है ना. उसका खुद का इंडिपेंडेंस एग्जिस्टेंस आपको नहीं देखने को मिलेगा. इसीलिए हम लोग ये कहते हैं कि द मेन प्लांट बॉडी इज हैप्लॉइड. गैमेटो ब्रायोफाइट में मेन प्लांट बॉडी हैप्लॉइड होती है और इट प्रोड्यूसेस गैमेट्स. तो मैंने आपको पहले भी बताया बेटा गैमेटोफाइट का मतलब क्या है रे. गैमेटोफाइट का मतलब ही है ना, गैमेट प्रोड्यूसिंग प्लांट. नो गैमेट, बराबर है, उसको हम गैमेटोफाइट बोलते हैं. स्पोरोफाइट का क्या मतलब बताया मैंने, स्पोर प्रोड्यूसिंग प्लांट बॉडी. बराबर है. तो यहाँ बिल्कुल अच्छे से ध्यान से अभी हमें याद रखना है कि इसकी जो भी हम लोग स्ट्रक्चर्स पढ़ रहे हैं वो उसका हैप्लोइड स्ट्रक्चर है, गैमेटोफिटिक है. इसमें कोई जाइलम फ्लोएम के वेसल्स वैस्कुलर बंडल्स नहीं है, कुछ नहीं है. इट्स अ सिंपल वन. इसीलिए ये लीफ जैसा है, लीफ नहीं है. लीफ होने के लिए उसमें जाइलम फ्लोएम, मिडरिब, डिप्लॉइड कंडीशन सब होना चाहिए. समझ रहे हो क्या, है ना. सो ये डिफर करता है, वेरी करता है. लो लेट्स अंडरस्टैंड दिस वन. नाउ देखो यहाँ पे अगर हम लोग देख रहे हैं, ये देखो इसको बोलते हैं थैलस. अब ये देखो ये फीमेल थैलस है, ये मेल थैलस है बेटा. दोनों चीजें आपको देखने को मिल रही है, फीमेल थैलस, मेल थैलस. वेल ये जो थैलस होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, वेल ये जो थैलस है इसमें ना रूट है, ना स्टेम है, ना लीफ है, और ना ही बेटा इसमें कोई लीफ लाइक स्टेम लाइक कुछ भी नहीं है. ये एक फ्लैट प्रोस्ट्रेट बॉडी है जो पापड़ जैसी है, जमीन को चिपकी हुई रहेगी. ठीक है, हाँ. अब क्योंकि ये गैमेटोफाइट है तो इनके ऊपर सेक्स ऑर्गन डेवलप होते हैं. ये देख, फीमेल सेक्स ऑर्गन डेवलप हो गया, आर्की गोनियो फोर बना. फोर मतलब ब्रांच. यहाँ पे देखो एंथ्रीडियो फोर बना. फोर मतलब ब्रांच. तो यहाँ मेल और फीमेल बॉडी डिफर करता है. यहाँ आप देख सकते हो मर्क्यांशिया, ये एक एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी में दिया गया. ठीक है, अब ये सारी चीजें हैं जैसे कि द सेक्स ऑर्गन्स इन ब्रायोफाइट्स आर मल्टी सेलुलर. अब भी मैंने बताया था आपको, है ना, एल्गी से कंपेयर करके. एल्गी में कैसे होते हैं, यूनि सेलुलर. इसमें कैसे होते हैं, मल्टी सेलुलर. ठीक है, द सेक्स ऑर्गन्स इन ब्रायोफाइट्स आर मल्टी सेलुलर एंड जैकेटेड, ये बताया. उसके बाद में मेल सेक्स ऑर्गन जो है एंथ्रीडियम प्रोड्यूसेस बाय फ्लैजेलेटेड एंथेरोजोइट. अब ये मेल सेक्स ऑर्गन को हम एंथ्रीडियम कहते हैं और फीमेल सेक्स ऑर्गन को हम लोग आर्किगोनियम कहते हैं. लेट्स अंडरस्टैंड दिस ऑल ऑन द पेन एंड पेपर मेथड. ठीक है, ये सारी चीजें हम लोग पेन एंड पेपर मेथड पे समझते हैं, विद स्ट्रक्चर हम लोग समझते हैं. ओके, तो यहाँ पे आते हैं हम लोग. ओके, नाउ दिस वन. ओके, तो मेरे प्यारे बच्चों आपको ये चीज सबसे पहले समझनी है कि इसमें मेन प्लांट बॉडी गैमेटोफाइट है और उसके ऊपर स्पोरोफाइट बनता है. तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, हम लोगों को पहले तो जब भी हम एल्गी को पढ़ेंगे तो बेटा पहली चीज हमें याद रखनी है कि हमें उसका क्लासिफिकेशन पढ़ना है. ठीक है, क्लासिफिकेशन ये रहा आपके सामने. इसके बेटा तीन ग्रुप है. एक है जिसको हम लोग कहते हैं लिवरवर्ट, दूसरा है हॉर्नवर्ट और तीसरा है मॉसेस. जैसे एल्गी में ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी था, वैसे यहाँ पे बेटा क्लासिफिकेशन है लिवरवर्ट, हॉर्नवर्ट और मॉसेस. ठीक है, इसके तीन, बात क्लियर है, लिवरवर्ट, हॉर्नवर्ट और मॉसेस, ये तीन बेटा ग्रुप्स हमको पढ़ने होते हैं. अब मजेदार बात ये है कि आपके एनसीईआरटी में है ना हॉर्नवर्ट के बारे में कुछ बोला ही नहीं है. मतलब देयर इज अ वेरी लेस पॉसिबिलिटी ऑफ एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग द हॉर्नवर्ट.
तो आपको कितने ग्रुप पढ़ने, दो ही, एक है लिवरवर्ट और एक है मॉसेस, यस और नो? तो चलो अगर हम गैमेटोफाइट को देखें, गैमेटोफाइट जो कि डोमिनेंट होता है, इसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो बेटा गैमेटोफाइट इज ऑलवेज हैप्लोइड, गैमेटोफाइट हमेशा हैप्लोइड होता है, करेक्ट है? गैमेटोफाइट इज ऑलवेज हैप्लोइड, यस। पहला पॉइंट, क्या होता है गैमेटोफाइट, क्या कर सकता है गैमेटोफाइट, में क्या एबिलिटी है? इट कैन प्रोड्यूस सेक्स ऑर्गन्स, बराबर है? इसके ऊपर सेक्स ऑर्गन प्रोड्यूस होते हैं। अच्छा, सेक्स ऑर्गन क्या प्रोड्यूस करेंगे? सेक्स ऑर्गन्स प्रोड्यूस द गैमेट, बराबर है? ठीक है, तो अब हमें यही पढ़ना है कि गैमेटोफाइट ऐसी प्लांट बॉडी है जो सेक्स ऑर्गन प्रोड्यूस कर सकती है और गैमेट्स प्रोड्यूस कर सकती है। बट आपको एक मजेदार, अभी एक बढ़िया सी पॉइंट मैंने आपको एनसीईआरटी का बताया था, वो क्या, कि जो थैलस होता है वो दो फॉर्म में देखने को मिलता है, एक कौन सा बेटा, प्रोस्टेट, और दूसरा कौन सा बेटा, इरेक्ट, है ना? अब इनको हम डिफर करेंगे, देख लेते, पहले तो हम इसके बारे में बात करेंगे, लिवरवर्ट के बारे में। सी दिस वन, अब आप देखोगे ना लिवरवर्ट को, लिवरवर्ट ये जो चीज है इसको आप देखोगे तो इसमें बेटा आपको एक चीज नोटिस करने को मिलेगी, वो क्या है, इन केस ऑफ द लिवरवर्ट, है ना, हम लोग एनसीईआरटी का जो एग्जांपल पढ़ते हैं वो है बेटा मर्केंशिया। इसके अलावा एक और एग्जांपल है रिक्शिया, रिक्शा आप लोग याद रख सकते हो, ऑटो रिक्शा, ठीक है, आप लोग याद रख सकते हो, तो दो एग्जांपल है एक्चुअली, एनसीईआरटी में एक ही एग्जांपल दिया हुआ है मर्केंशिया, लिवरवर्ट का, मर्केंशिया, है ना? नाउ अभी देखो इसमें प्रोस्टेट स्ट्रक्चर जब बनता है तो प्रोस्टेट मतलब होता है डॉर्सी वेंट्रली फ्लैट, अभी इसका मतलब चपटा है यार, ऊपर से नीचे से ये पापड़ जैसा है, ये जमीन को चिपका होता है, ठीक है। लिवरवर्ट को हम लोग हिपैटिक ऑप्सिडा ऐसा भी बोलते हैं, हिपैटिक ऑप्सिडा ये एक्चुअली उसका नाम है, जैसे ग्रीन एल्गी को हम क्लोरोफाइसी बोलते हैं, वैसे ही लिवरवर्ट इज कॉल्ड एज द हिपैटिक ऑर्गन, हिपैटिक ऑर्गन मतलब लिवर, ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग हिपैटिक ऑप्सिडा, आर यू श्योर? अब प्यारे बच्चों नोटिस करो, यहाँ पे इसका जो प्रोस्टेट स्ट्रक्चर है ये है, आपको दिखाई दे रहा है ये है बच्चों, है ना, ऊपर से देखने पे डॉर्सल स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है ना, यहाँ पे बीच में एक मिडरिप पाई जाती है और नीचे से देखोगे तो उसे हम लोग बोलते हैं वेंट्रल, मतलब ये हमेशा हमें ऊपर से ही देखने को मिलता है, ठीक है। और मेरे प्यारे बच्चों इसके डॉर्सल सरफेस के ऊपर ही आपको इस तरह से सेक्स ऑर्गन्स बनते हुए देखने को मिलेंगे, ठीक है, तो सेक्स ऑर्गन्स आर फॉर्म ऑन द डॉर्सल साइड, और ये है ग्रीन गैमेटोफाइट जो 3D स्ट्रक्चर आपके सामने दिखाई दे रहा है। अगर सपोज आपने इसको ये देखो ऊपर से देखोगे तो ये डॉर्सल सरफेस है, डॉर्सल सरफेस पे ही सेक्स ऑर्गन डेवलप होते हैं, बट अगर आप इसको उखाड़ के देखोगे मतलब जमीन से तोड़ोगे तो बेटा नीचे साइड में आपको ये सारी चीजें देखने को मिलेंगी। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है बेटा मिडरिब, यू कैन सी दिस मिडरिब, मिडरिप के बाजू में ऐसे हेयर लाइक प्रोजेक्शन आपको देखने को मिल रहे हैं, यू कैन सी दिस हेयर लाइक प्रोजेक्शन, छोटे छोटे बेटा हेयर लाइक प्रोजेक्शन आपको देखने को मिल रहे हैं, इनको हम लोग बोलते हैं राइजॉइड, ये क्या है बेटा, राइजॉइड, और ये सारे सिंगल सेल के होते हैं, यूनिसेलुलर, ठीक है, दे हैव द यूनिसेलुलर राइजॉइड, और वो कौन से साइड से दिखाई देते हैं, डॉर्सल या वेंट्रल, नीचे से दिखाई देंगे, रूट है ना, रूट जैसा है, ठीक है, तो दे हैव द राइजॉइड फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, जैसे रूट कैसे काम करता है वैसे ही इनके लिए राइजॉइड काम करता है, रूट का क्या काम है वैसा ही काम बेटा राइजॉइड का भी होता है। इसके अलावा ये वेंट्रल साइड में है, मिडरिप के बिल्कुल बाजू बाजू, जहाँ मिडरिप है ना, ये वाली लाइन यहाँ पे दिखाई है, अच्छा, ये वाली, हाँ, उसके बाजू बाजू में ये जो है ना यहाँ पे वेंट्रल साइड में, उसको आप तोड़ोगे ना जमीन से उखाड़ोगे तभी बेटा वो नीचे के साइड में आपको देखने को मिलेंगे राइजॉइड्स, ठीक है, क्योंकि वो जमीन में गड़े हुए हैं, ठीक है, तो राइजॉइड यूनिसेलुलर होते हैं, सिंगल सेल वाले, और बेटा आजू बाजू में ना यहाँ पे आपको एक लाइन दिखाई दे रही होगी इफ यू कैन सी, ठीक है, ये आपको दिखाई दे रहे पर छोटे छोटे बेटा ये आपको दिखाई दे रहे यहाँ पे, इनको हम लोग बोलते हैं स्केल्स, ये स्केली लीव्स आपको देखने को मिलती है बिल्कुल, ठीक है, तो ये है स्केली लीव्स, स्केली लीव्स का काम है बेटा, ये जो स्केली लीव्स आपको देखने को मिल रहा है
इनका काम है डेफिनेटली ये शॉक एब्जॉर्बर का काम करते हैं। देखो ये जमीन को चिपके होते हैं, इनके ऊपर पेड़ गिरेगा, पत्थर गिरेगा या एनिमल्स इनके ऊपर से चलते चले जाएंगे, तो बेटा डेफिनेटली इनके ऊपर प्रेशर पड़ता है, तो इसको एब्जॉर्ब करने के लिए इनके पास होते हैं स्केल्स। ठीक है, तो अगर कभी आपको क्वेश्चन आया कि क्या स्केल्स का क्या होता है तो आप बता सकते हो। आई होप इट इज वेरी क्लियर। ये डॉर्सी वेंट्रली फ्लैट स्ट्रक्चर है, ये प्रोस्ट्रेट स्ट्रक्चर है, क्या आपको इसके बारे में कोई क्वेश्चन है? दिस इज वेरी सिंपल। अच्छा आगे बढ़ते हैं। कभी कभी लीवर वर्ट में कुछ प्लांट जो है वो इरेक्ट होते हैं। अभी इरेक्ट स्ट्रक्चर मतलब ये ऐसा होगा, आप देख पा रहे होंगे इसमें क्या होता है, एक लीफ एक एक्सिस होगा, है ना, ये एक्सिस आपको दिखाई दे रहा है, एक स्टेम जैसा स्ट्रक्चर जो कि है ना फ्लैट नहीं है, पापड़ जैसा नहीं है। इस नीचे राइजोइड जमीन के अंदर गड़े रहेंगे जो यूनिसेल्युलर है, बट इनमें आपको लीफ जैसे अपेंडेजेस देखने को मिलेंगे इन टू रोज। टू रोज मतलब आपको दिख रहा है इस साइड में है और इस साइड में, दोनों साइड में बेटा है ना दो रोज दिखाई दे रही है लीफ जैसे, और इसके ऊपर सेक्स ऑर्गन इसके टिप पे आते हैं। ये जो टिप है यहाँ पे बेटा सेक्स ऑर्गन डेवलप होते हैं, जैसे यहाँ स्पोरोफाइट डेवलप हुआ है वैसा ही यहाँ पे बेटा सेक्स ऑर्गन डेवलप होते हैं। तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछू कि बेटा अगर आप एक लीवर वर्ट को देख रहे हैं तो इसमें लीवर वर्ट में कौन सी दो स्ट्रक्चर पॉसिबल है? आंसर इज प्रोस्टेट एंड इरेक्ट, करेक्ट है, सही है ना, प्रोस्टेट और इरेक्ट। दूसरा क्वेश्चन है जो इरेक्ट स्ट्रक्चर होगा इसमें जो लीफ होते हैं उनका अरेंजमेंट कैसा होता है? दे आर इन टू रोज, करेक्ट है, अब ये याद रखना। तीसरा एक क्वेश्चन है, लीवर वर्ट में राइजोइड कैसे होते हैं, यूनिसेलुलर या मल्टी सेलुलर? यूनिसेलुलर। ठीक है, लीवर वर्ट में जो राइजोइड होते हैं वो बेटा होते हैं यूनिसेलुलर। तो ये तीन पॉसिबल क्वेश्चंस है जो आपको पूछे जाएंगे। ठीक है, अच्छा तीसरा एक और क्वेश्चन पूछता हूँ, अगर इनके ऊपर सेक्स ऑर्गन डेवलप होगा या स्पोरोफाइट डेवलप होगा वो कौन से साइड में डेवलप होगा? वो कौन से साइड में डेवलप होगा? डॉर्सल। डॉर्सल या वेंट्रल, बहुत बढ़िया, इट विल बी ऑन द डॉर्सल साइड। ठीक है, अगर ये लीफी स्टेज मतलब इरेक्ट स्टेज के ऊपर सेक्स ऑर्गन या स्पोरोफाइट डेवलप होगा तो वो कहाँ पे डेवलप होगा? एट द टिप। बहुत बढ़िया। सो ये कुछ क्वेश्चंस है जो आपको स्ट्रक्चर के बेसिस पे पूछे जा सकते हैं। यस, चलो मैं यहाँ पे आपको क्योंकि समझ में आए इसीलिए मैंने एक यहाँ पे स्ट्रक्चर दिखाया है स्पोरोफाइट का। स्पोरोफाइट हमेशा गैमेटोफाइट के ऊपर ग्रो होता है और मैंने यहाँ पे बिल्कुल गैमेटोफाइट को ग्रीन दिखाया है बेटा, आप देख सकते हो, और स्पोरोफाइट को है ना अलग कलर से येलोइश कलर दिया है। तो बेटा स्पोरोफाइट जितने भी पाए जाते हैं उनमें तीन पार्ट होते हैं, एक को बोलते हैं बेटा कैप्सूल, एक को बोलते हैं सीटे और एक को बोलते हैं फुट। फुट वो पोर्शन है जो गैमेटोफाइट में फंसा हुआ होता है। ठीक है, सीटे एक स्टैक लाइक पोर्शन है और कैप्सूल वो चीज है जिसमें होता है बेटा स्पोरेंजिया, स्पोर प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर, है ना, स्पोरेंजिया बताया था ना मैंने जब हैप्लोडिप्लोंटिक लाइफ साइकिल आपको बताया था। तो बेटा यहाँ पे है ना पाया जाता है स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया का मतलब होता है स्पोर प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर। नाउ इट इज क्लियर, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? ठीक है, यस। तो बेटा बताओ आपको स्पोरोफाइट में कितने पार्ट होते हैं? हाउ मेनी पार्ट आर देयर इन द स्पोरोफाइट? थ्री, है ना, कितने पार्ट है? थ्री। कौन कौन से हैं? फुट, सीटे एंड कैप्सूल। बिल्कुल बढ़िया। अच्छा तो स्पोर कहाँ पे बनता है, सीटे में, फुट में या कैप्सूल में? कैप्सूल में, स्पोरेंजिया में। कैप्सूल में, बहुत बढ़िया, चलो हो गया काम। ये था बेटा एंटायर लीवर वर्ट का कहानी स्ट्रक्चरल। ठीक है, स्ट्रक्चर्स के बारे में। राइट नाउ देखो ये हॉर्नवर्ट है। हॉर्नवर्ट मतलब ही इसको हम लोग एंथोसीरोटॉप्सिडा बोलते हैं, हॉर्नवर्ट को। इसके बारे में आपको कोई क्वेश्चंस आने की चांसेस बहुत कम है, बट मैं कुछ पॉइंट्स आपको बता के रखता हूँ। पहला कि इसका वेंट्रल साइड अगर आप देखोगे तो आपको राइजोइड जरूर दिखाई देंगे बट स्केल्स नहीं होंगे। सो
पहली बात इनमें स्केल नहीं पाया जाता, विदाउट स्केल दे है, आर यू श्योर, ये पॉइंट समझ में आया, दे डू नॉट हैव द स्केल। दूसरा मुद्दा, जब बेटा इसका आप स्पोरोफाइट पढ़ोगे ना तो इसमें दो ही पार्ट होते हैं, कौन कौन से हैं, कैप्सूल है और फूट है, क्या एब्सेंट है, सीट इज एब्सेंट, करेक्ट है, सो दैट इज विदाउट सीट, यू कैन सी इट, यस और नो। तो बेटा दो पॉइंट बताओ, क्या डिफरेंस है बेटा इसमें, इसमें क्या है, इट इज अ विदाउट स्केल, करेक्ट है, दूसरा क्या पॉइंट है बेटा, विदाउट सीट, स्पोरोफाइट इज विदाउट सीट, डन, समझ गए ये, आसान है ना, बहुत बढ़िया। अभी मजेदार बात बताता हूँ, इसको हॉर्नवर्ट क्यों बोलते हैं, व्हाई, क्योंकि ये जो कैप्सूल आपको दिखाया जा रहा है ना, ये दिखता है हॉर्न जैसा, मतलब जो बैल गाय भैंस इनके जो कैटल्स जो होते हैं, इनके जो हॉर्न होते हैं ना, उनके जैसा दिखाई दे रहा, दिख रहा है क्या आपको, yes, इसीलिए हॉर्न लाइक दिखाई देता है, इसीलिए इसको हॉर्नवर्ट बोलते हैं। ना इतना ही नहीं, तो इसके बेस में यहाँ पे बेटा मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं, ये देखो, ये जो आपको मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज देखने को मिलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, है ना, ये उसको ग्रोथ कराते रहते हैं, कराते रहते हैं, नो नीड है ना, वो उनमें कुछ ना कुछ बेटा उनका थिकनेस थोड़ा ज्यादा होता है, कुछ ना कुछ तो होता है सबका, ठीक है। तो बेटा इसका क्या है कि इसमें मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है, यहाँ पे रेड कलर का मैंने दिखाया है बीच में, अगर आप देख पा रहे होंगे वहां पे ऐसे सेल्स है जो हमेशा कंटिन्यूसली डिवाइड होते हैं, इसीलिए कैप्सूल की लेंथ बढ़ती रहती है, जैसे कि है ना कैटल्स में जो उनके हॉर्न होते हैं, जो उनके सिंग होते हैं, वो ग्रो होते रहते हैं। सो ये है एक पॉइंट। एक और मजेदार पॉइंट आपको देखने को मिलेगा, इनके पास है ना, इनके सेल्स में पायरेनॉइड होता है। अरे ये पायरेनॉइड क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, व्हाट इज पायरेनॉइड, स्टोरिंग स्टार्च, एक्जेक्टली, स्टार्च का स्टोरेज होता है ग्रीन एल्गी में, है ना, जो क्लोरोप्लास्ट में था, लास्ट क्लास में मैंने समझाया था। तो बेटा वैसा ही पायरेनॉइड इनके सेल्स में पाया जाता है। तो ये तीन पॉइंट आप लोग याद रखो, पहला नो स्केल्स, दूसरा नो सीटे इन द स्पोरोफाइट, और तीसरा द सेल्स हैव द पायरेनॉइड। ये तीन मुद्दे आप याद रखो, अगर आपको क्वेश्चंस आते हैं तो आप ये इसका जवाब दे सकते हो। हाँ बोलो, क्या क्वेश्चन है सर, ये विदाउट स्केल और विदाउट सीटे वाला आप जो पॉइंट एक बार एक्सप्लेन कर सकते हैं। कुछ नहीं, बड़ा ही सिंपल है, अगर हम लिवर वर्ड से हॉर्न वर्ड को डिफरेंशिएट करना चाहते हैं, ठीक है, स्ट्रक्चरली, तो क्या डिफरेंस होगा, तो सादी बात, जैसे लिवर वर्ट में स्केल्स होते हैं, वैसे इनके थैलस के वेंट्रल साइड में स्केल्स नहीं होते। दूसरा, लिवर वर्ट में जिस तरह से सीटे डेवलप होता है, तीन पार्ट होते हैं स्पोरोफाइट में, वैसा पे नहीं होता, इसीलिए ये अलग है, नहीं तो बाकी सब बेटा वो लिवर वर्ट जैसे दिख रहे हैं, ठीक है। और तीसरी पॉइंट, इनमें एक और स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है जो दूसरे मॉसिस में नहीं देखने को मिलती, दूसरे ब्रायोफाइट में नहीं दिखती, और वो है इनमें पायरेनॉइड होता है, जैसे एल्गी में था, ग्रीन एल्गी में, क्लियर, क्लियर है सर। सर सीटे क्या होता है, सीटे, अरे ये क्या, तुम क्या कर रही हो, आंखें बंद करके बैठी हो क्या, ये क्या है, ओके सर, क्या बताया मैंने, क्वेश्चन क्या पूछा था, कितने पार्ट होते हैं, थ्री, कौन कौन से होते हैं, फूट, सीटे एंड कैप्सूल, ओके सर, थैंक यू, बढ़िया है, चलो बढ़िया है। अभी देखते बेटा मॉसेस में क्या चीज है, मॉसेस में अभी देखो, ये मॉसेस जो होते हैं, ये तीसरा है ना, तीसरा है, आपको याद है तीन बताए थे मैंने, लिवरवर्ट, हॉर्नवर्ट और मॉसेस, ठीक है। तो मॉसेस जो होते हैं, आप बोलो, कोई कुछ पूछना चाह रहा था, दूसरा आवाज आया था पीछे, यस सर, प्रोस्टेट एंड इरेक्ट के एग्जांपल्स पूछेंगे क्या, लाइक कौन से, नहीं 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 उतना नहीं होता है, उतना जरूरत ही नहीं है, जो आवश्यक नहीं है उतना मैं बताता ही, जो इसेंशियल है वो है ना, डेफिनेटली आगे चलते देखो। अभी यहाँ पे हम लोग बात करें बेटा मॉसेस को, हम मसाई भी कहते हैं, मसाई, ठीक है, या तो हम लोग बोलते हैं ब्रायोप्सिडा, ये बहुत ही एडवांस्ड लेवल के, बहुत ही एडवांस्ड लेवल के बेटा ब्रायोफाइट्स है, हाईली एडवांस। अभी देखो मेरे प्यारे बच्चों, एडवांस लेवल मतलब इनमें आपको सिर्फ लीफी स्टेज ही देखने को मिलती है, मतलब इरेक्ट। मॉसेस में मेरे प्यारे बच्चों प्रोस्टेट स्ट्रक्चर आपको नहीं मिलेगा,
क्लियर क्लियर है क्या स्टेटमेंट बोला मैंने? मॉसेस में सिर्फ इरेक्ट स्ट्रक्चर होता है, प्रोस्टेट स्ट्रक्चर नहीं होता। सबने सुना? यस सर। यस सर। ओके आगे बढ़ते हैं। अभी देखो यहाँ पे मुद्दा आता है कि इसका स्ट्रक्चर क्या डिफर करता है भाई, दो चीजों में। अभी लीफी स्टेज हमने वहां पे भी पढ़ा था ना, लिवरवर्ट में भी देखा, ठीक है। एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं, चलो यहाँ पे आते हैं, नहीं तो फिर से वही सीटे वाला स्ट्रक्चर क्वेश्चन आएगा। देखो यहाँ पे क्या है, टू रोज में लीव्स है, ये पहला कैरेक्टरिस्टिक है। दूसरा राइजोइड कैसे बेटा? यूनिसेलुलर है, क्लियर है? राइजोइड्स आर यूनिसेलुलर। और बेटा लीव्स के अरेंजमेंट कैसे है? टू रोज में, पक्का। लेट्स मूव डाउन हियर, आगे, ये बढ़िया है। चलो यहाँ देखो, यहाँ पे आपको सबसे पहला पॉइंट नोट करना है कि जो एक्सिस होता है उसके ऊपर जो लीव्स पाए जाते हैं, लीफी अपेंडिज, उनका स्पाइरल अरेंजमेंट होता है। कैसा अरेंजमेंट होता है? स्पाइरल। एक है लगाया, फिर दूसरा लगाया, उसके एंगल में तीसरा एंगल, ऐसे करते करते स्पाइरल बेटा अरेंजमेंट होती है, गोल 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 गोल, ठीक है। तो यहाँ टू रोज वाला अरेंजमेंट है क्या? डिफरेंस बताओ, पहला डिफरेंस बताओ, लीफी स्टेज में डिफरेंस बताओ। लीफ का अरेंजमेंट डिफरेंट है, वहां पे टू रोज में था, यहाँ पे स्पाइरल अरेंजमेंट है, इतना क्लियर है। दूसरा एक डिफरेंस देखो, राइजोइड यूनिसेलुलर, इसके राइजोइड बेटा मल्टीसेलुलर होते हैं मॉसेस के, वो भी ब्रांचेस भी होती है उनको। ये देखो, ये है राइजोइड, ये ब्रांचेस भी है राइजोइड, है ना। अब सबसे मजेदार बात होता है विथ ऑब्लिक सेप्टम, ये क्या चीज है भाई? मल्टीसेलुलर है विथ ऑब्लिक सेप्टम एंड ब्रांच्ड। अब देखो ध्यान से भाई, यहाँ पे दो स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे दिखाया आपको। एक स्ट्रक्चर है मेरे प्यारे बच्चों, इसमें आप देखोगे तो ये जो सेल है ना, इनके बीच में जो सेप्टम दिखाई देता है, ये ऑब्लिक नहीं है, इसलिए ये ऐसा नहीं होता, ये ऐसा होता है। आपको दिखाई दे रहा है कैसा है बेटा? देख लो सेप्टम कैसा है, ये ऑब्लिक है, ऐसे ऐसे। तो इनमें जो सेप्टम होते हैं इनके रूट्स में, तो याद रखना बेटा, आपको क्वेश्चन आएगा कि क्या आप बता सकते हो कि कौन से प्लांट के राइजोइड्स में ऑब्लिक सेप्टम पाया जाता है, तो आपका आंसर रहना बेटा मॉसेस में, ठीक है। आपका आंसर क्या होना चाहिए? मॉसेस। अब इसमें कुछ एग्जांपल्स है जो हम लोग देखेंगे, है ना, जैसे कि स्पैग्नम है, फिनारिया है, ये एग्जांपल्स हम लोग देखेंगे, है ना, जब हम लोग स्लाइड्स देखते हैं। नो इशू सर, अब आते बेटा, ये क्लियर हो गया। स्लाइड पे दिखाया था वो मॉस था ना? हाँ एग्जैक्टली, बहुत बढ़िया। जो मैंने स्टार्टिंग में गैमेटोफाइट वाला जो स्ट्रक्चर दिखाया था, फ्लोरोफाइट वाला, वो मॉस ही था, ठीक है। ये इसका पंजा ऐसे ऊपर क्यों है, ये क्या पूछना चाहती है फिर से पूछो। कुछ पूछना चाहती हो? एनी क्वेश्चन बेटा? पीहू? नो सर, मैंने कहा कुछ? हाँ तो ऐसा है ना, यू हैव रेज्ड योर हैंड ना, सॉरी सर, पूछ के लोअर। हाँ तो देखो यहाँ पे बेटा, अब आते हैं हम लोग सेक्स ऑर्गन्स की तरफ। देखो सेक्स ऑर्गन्स जो ब्रायोफाइट में हम लोग देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, नाम से आराम से समझो, इसमें मल्टी सेलुलर सेक्स ऑर्गन्स है, जैकेटेड सेक्स ऑर्गन्स है। इट इज डिफरेंट फ्रॉम द एल्गी, क्योंकि एल्गी में यूनिसेलुलर और जैकेटलेस सेक्स ऑर्गन थे। तो पहली बात करते हैं हम लोग मेल सेक्स ऑर्गन की। मेल सेक्स ऑर्गन को लोग एंथेरिडियम कहते हैं, एंथर एंथर, ये शब्द जरूर सुना होगा आपने, है ना, पोलन ग्रेन, एंथर। तो एंथर एंथेरी, ये जो वर्ड जब भी आपको देखने को मिलेगा, इट इज रिलेटेड टू समथिंग दैट इज अ मेल सेक्स ऑर्गन, सो एंथेरिडियम ये वर्ड हम लोग यूज करते हैं। और जो गैमेट प्रोड्यूस होते हैं मेल गैमेट्स को हम लोग बोलते हैं एंथेरोजॉइड, एंथेरोजॉइड मेल गैमेट है, एंथेरिडियम मेल सेक्स ऑर्गन है, क्लियर? यस। नाउ अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखेंगे ना, तो ऐसा होता है, द स्ट्रक्चर ऑफ द मेल सेक्स ऑर्गन इज लाइक अ रैकेट, रैकेट पता है ना आपको, है ना? Yes, आपने खेला होगा, इट इज लाइक अ रैकेट। इसके ऊपर अगर आप देख रहे हो तो ये जो आपको चीज दिखाई दे रही है, ठीक है, ये बेटा स्टराइल जैकेट है, मतलब सिर्फ ये प्रोटेक्टिव लेयर है, इसका फर्टिलिटी में कोई रोल नहीं है, ठीक है। सो दिस इज द स्टराइल जैकेट।
उसके अंदर जो बेटा मैंने ऑरेंज कलर का टिश्यू बना के रखा हुआ है ये है, इसमें है फर्टाइल सेल्स, इनमें होते हैं एंथ्रोजॉइड मदर सेल्स, है ना, जो हैप्लोइड ही है, ठीक है, एंथ्रोजॉइड मदर सेल, और ऊपर क्या है बेटा, स्टराइल जैकेट। अब ये एंथ्रोजॉइड मदर सेल माइटोसिस करके मेल गैमेट बनाएंगे। देख सकते हो आप मेल गैमेट कैसा होता है, मेल गैमेट इज अ कॉमा शेप्ड और बायोफ्लैजेलेटेड। हमेशा याद रखना ब्रायोफाइट में मेल गैमेट इज ऑलवेज बायोफ्लैजेलेटेड। ह्यूमन बींग्स में कितने फ्लैजेला होते हैं बताओ, स्पर्म में एक सर, एक ही होता है सिंगल, बराबर है। सो यहां आपको बिल्कुल देखने को मिल रहा है बेटा, इट इज अ बायोफ्लैजेलेटेड। यस, ब्रायोफाइट्स में मेल गैमेट इज अ बायोफ्लैजेलेटेड, याद रखना, ये क्वेश्चन आ चुका है नीट में, ठीक है। तो ये रहा सिंपल स्ट्रक्चर मल्टी सेलुलर एंथेरिडियम, एंथेरिडियम इज अ मेल सेक्स ऑर्गन ऑफ द ब्रायोफाइट्स। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर? यस सर। बहुत बढ़िया, अभी आगे चलते हैं, विल टॉक अबाउट द फीमेल सेक्स ऑर्गन। अभी जो फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है इन केस ऑफ द ब्रायोफाइट्स, ये भी मल्टी सेलुलर जैकेटेड है। फीमेल सेक्स ऑर्गन इज अ फ्लास्क शेप स्ट्रक्चर, इट इज अ फ्लास्क शेप। अब इस फ्लास्क शेप के ऊपर आपको देखने को मिलेगा, पहले तो ये जैकेट है जो स्टराइल है। यस, कैन यू सी दिस जैकेट? यस सर, यस सर। ये फ्लास्क शेप दिख रहा है क्या? यस। तो जो ऊपर वाला पोर्शन होता है ये, इस पोर्शन को हम लोग बोलते हैं नेक, और नीचे वाला जो स्वोलन पोर्शन है उसे हम लोग बोलते हैं वेंटर, ठीक है। वेंटर और नेक, ऐसे दो पार्ट आपको देखने को मिल रहे, दिख रहे, वन इज अ नेक, वन इज अ वेंटर, और ये नीचे जो है बेटा उसका स्टैक है, ठीक है, जो यहां से चिपका हुआ रहेगा गैमेटोफाइट को, नेक एंड वेंटर। नाउ नेक में है ना 4 to 6 लेयर्स ऑफ सेल्स प्रेजेंट होते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं नेक कैनाल सेल, एनसीसी, नेक कैनाल सेल कहां पे प्रेजेंट है, नेक में। वेंटर में आपको दो चीजें देखने को मिलेगी, एक होता है सिंगल वेंटर कैनाल सेल। पता है आपको, इतना सिंपल क्वेश्चन पूछा था कि आर्किगोनियम में कितने वेंटर कैनाल सेल होते हैं, आंसर क्या है, दो, एक, एक ही होता है वेंटर कैनाल सेल, एक ही है, ग्रीन बनाया मैंने उसको वेंटर कैनाल सेल को, और दूसरा जो सेल होता है वो है बेटा एक सेल, मतलब फीमेल गैमेट। अच्छा बताओ वेंटर में कितने सेल है, दो, एक सेल कौन सा है, एक सिंगल है वेंटर कैनाल सेल, और दूसरा कौन है बेटा, एग सेल, एग सेल, बिल्कुल बढ़िया। और सबसे बढ़िया बात, नेक के ऊपर एक कवर है, उसको हम लोग बोलते हैं, उनको बोलते हैं कवर सेल्स, समझ रहा है, स्ट्रक्चर समझ गए। इस पूरे स्ट्रक्चर को, जैसे मेल को हम लोग एंथ्रिडियम कहते हैं, वैसे बेटा फीमेल स्ट्रक्चर को हम आर्किगोनियम कहते हैं, क्या कहते हैं उसे हम लोग, आर्किगोनियम, आर यू श्योर? बहुत बढ़िया, एंथ्रिडियम एंड आर्किगोनियम, एंथ्रिडियम एंड आर्किगोनियम, ठीक है। अब सबसे बढ़िया मैं क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ, अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर स्पर्म को मतलब एक सेल तक अगर पहुंचना है तो बेटा वो सबसे पहले क्या होना चाहिए, बताओ, आप ये आर्किगोनियम का स्ट्रक्चर देखो और मुझे बताओ क्या होना चाहिए। तो कवर सेल को लाइक, बिल्कुल बढ़िया, कवर सेल शुड बी रिमूव्ड, क्योंकि कवर सेल पहले तो ब्लॉक है, नेक का जो माउथ है उसको ब्लॉक करके रखा हुआ है, ठीक है। तो होता क्या है, मैं आपको दो चीजें पहले बता दूं, ये जो वेंटर कैनाल सेल और नेक कैनाल सेल है ना, ये हो जाते हैं डिसॉल्व। फिर एक बार रिपीट करता हूं, वेंटर कैनाल सेल और नेक कैनाल सेल हो जाते हैं डिसॉल्व। फिर एक बार रिपीट करता हूं, वेंटर कैनाल सेल और नेक कैनाल सेल दोनों हो जाते हैं डिसॉल्व। इज इट क्लियर? तीन बार बताया एक ही पॉइंट। वहां बन जाता है बेटा एक फ्लूइड, उसका बन जाता है एक फ्लूइड, वो फ्लूइड बनते ही बेटा कवर सेल हट जाते हैं, कवर सेल निकल जाते हैं, और ये कवर सेल निकलते ही बेटा ये फ्लूइड बाहर निकलने लग जाता है, नेक के माउथ से बाहर निकलने लग जाता है, ठीक है। यहां से बेटा ये बाहर निकलने लग जाएगा, फ्लूइड बाहर निकलने लग जाएगा,
अब ये फ्लूइड में होता है, पोटेशियम, प्रोटीन्स और मैलिक एसिड, इधर दिख रहा है आपको नीचे लिखा हुआ है, यस कैन यू सी। अब ये जो केमिकल्स होते हैं जो पानी में मेल गैमेट रिलीज हुए हैं ना, उनको बेटा अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ, ये स्टिमुलस देते हैं, सिग्नल देते हैं कि भाई इधर आ, भटक मत, इधर उधर भटकना नहीं है, है ना, ये रास्ता इधर है, एक सेल इधर है, जा आ जाओ, ठीक है। ये होता है स्टिमुलस, मतलब ये केमिकल स्टिमुलस है, और इसी स्टिमुलस की तरफ, इस केमिकल अट्रैक्शन की तरफ बेटा मेल गैमेट तैयार करके आ जाते हैं, और जैसे उनको पता चलता अच्छा ये नेक है, अंदर आ जाएंगे, दे विल एंटर, बिल्कुल वो म्यूसिलेज के अंदर से बेटा जो भी डिजोल्व होके जो बना है ना उसके थ्रू बिल्कुल पास हो जाते हैं और एक सेल तक पहुंच जाएंगे। कितना क्लियर है आपको, पॉइंट समझ में आया? यस सर। बहुत बढ़िया। अब मुद्दा आता है इस मूवमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं। दिस मूवमेंट इज कॉल्ड एज द केमोटैक्टिक मूवमेंट। टैक्टिक इसीलिए क्योंकि मेल गैमेट खुद तैर के आता है, इसीलिए इसको केमोटैक्टिक मूवमेंट बोलते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? केमोटैक्टिक मूवमेंट। क्या बोलते हैं बेटा इसको हम लोग? केमोटैक्टिक मूवमेंट। बिल्कुल सिंपल, ठीक है, बिकॉज वो तैर के आते हैं तो इसको मैं केमोटैक्टिक मूवमेंट बोलता हूँ। इतना सिंपल है ये, इट्स कॉल्ड एज द केमोटैक्टिक। क्यों केमोटैक्टिक? क्वेश्चन आता है नीट में यार, केमोटैक्टिक का क्यों मतलब हुआ? क्योंकि जब हम लोग एंजियोस्पर्म में पढ़ते हैं उसमें स्टिग्मा होता है, पोलन ग्रेन गिरता है और पोलन ग्रेन पोलन ट्यूब बनाता है, और पोलन ट्यूब में बेटा मेल गैमेट खुद नहीं जाते, पोलन ट्यूब लेके जाता है, पोलन ट्यूब की ग्रोथ होती है, तब उसे हम लोग बोलते हैं केमोट्रॉपिक मूवमेंट। ट्रॉपिक होता है ग्रोथ होना, यहाँ पे ग्रोथ हो रही क्या? नहीं, यहाँ पे लोकोमोशन हो रहा है, फ्लैजेला के साथ वो खुद तैर के जा रहा है। तो याद रखना ब्रायोफाइट में, टेरिडोफाइट में केमोटैक्टिक मूवमेंट हो रहा है, एंजियोस्पर्म में, जिम्नोस्पर्म में केमोट्रॉपिक मूवमेंट होता है। बात क्लियर? यस सर। केमोटैक्टिक का क्या मतलब हुआ? सारे बच्चे यहाँ बताए केमोटैक्टिक का क्या मतलब है। केमोटैक्टिक का मतलब है इट इज द लोकोमोटरी मूवमेंट, लोकोमोशन कर रहा है, मेल गैमेट खुद तैर के जा रहा है, अपने पैरों से खुद के पैरों पे चल के जा रहा है, उसे कोई उठा के नहीं लेके जा रहा है, और ग्रोथ नहीं हो रही है, ग्रोथ मूवमेंट नहीं हो रही है, इट इज नॉट अ ग्रोथ। बट स्टिमुलस कौन सा है बेटा? केमिकल्स, इसलिए ये केमोटैक्टिक है, जहां से केमिकल रिलीज हो रहे हैं उसी केमिकल की तरफ मूवमेंट करते हुए जा रहे हैं, इसलिए केमोटैक्टिक, ठीक है। इन केस ऑफ एंजियोस्पर्म्स ओव्यूल जो है, ओव्यूल सिनर्जिड्स बेटा केमिकल रिलीज करते हैं उस केमिकल की तरफ, यहाँ इस डायरेक्शन में, यहाँ केमिकल रिलीज हो रहा है, यहाँ पे इस डायरेक्शन में बेटा आपको इनका मूवमेंट देखने को मिलेगा, यहाँ केमिकल्स है, ठीक है, आप लोग समझ सकते हो, यहाँ केमिकल्स रिलीज हो रहे हैं, इसी डायरेक्शन में ये मूवमेंट कर रहा है, ठीक है। बट ये मूवमेंट मेल गैमेट नहीं कर रहे, एक्चुअली ये ग्रो हो रहा है, कौन ग्रो हो रहा है धीरे धीरे, लेंथ बढ़ रही है किसकी बेटा? पोलन ट्यूब, पोलन, इसीलिए इसको बोलते हैं ग्रोथ मूवमेंट, ठीक है, और ग्रोथ मूवमेंट को हम लोग बोलते हैं ट्रॉपिज्म, फोटोट्रॉपिज्म, जियोट्रॉपिज्म, ये पढ़ा होगा यस सर, टेंशन। ट्रॉपिज्म जो होता है वो ग्रोथ मूवमेंट होता है, और टैक्टिज्म जो होता है वो लोकोमोटरी मूवमेंट होता है, लोकोमोटरी मतलब आप खुद जाते हो, दैट इज अ टैक्टिक, टैक्टाइल मूवमेंट, ठीक है। सो दैट इज व्हाट द पॉइंट वी हैव टू अंडरस्टैंड, ट्रॉपिज्म और टैक्टाइल मूवमेंट इसमें फर्क है, ठीक है। सो केमोट्रॉपिज्म और केमोटैक्टिज्म इज अ वेरी डिफरेंट थिंग। स्टिमुलस वही है यार, केमिकल का ही स्टिमुलस है, बट जाने का तरीका अलग है, मेल गैमेट के जाने का तरीका अलग है। आई होप इट इज वेरी क्लियर टू यू ऑल, जो भी अभी मैंने सारी चीजें बताई वो आपके बिल्कुल दिमाग में फिक्स है और आप सारी चीजें जानते हो। क्वेश्चन नंबर वन, हाउ मेनी, हाँ बोलो बोलो बेटा सर, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ वेंटर कैनल सेल एंड द नेक कैनल, क्या क्या क्या, व्हाट इज द फंक्शन, हाँ बोलो, हेलो सर, हाँ, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ नेक कैनल सेल्स एंड वेंटर कैनल सेल, हाँ मैंने वही तो बताया, नेक कैनल सेल वेंटर कैनल सेल डिसॉल्व हो जाते हैं, और ये जो केमिकल्स मैं बोल रहा हूँ ना, के प्लस प्रोटीन, वो वहां पे डिसॉल्व हो जाएंगे, मतलब अंदर एक फ्लूइड बना लेंगे,
और उसी फ्लूइड के थ्रू बेटा उसमें वो केमिकल्स होते हैं, वही केमिकल्स बेटा इसको मेल गैमेट को अट्रैक्ट भी कराते हैं और बेटा मेल गैमेट को पास होने में भी मदद करते हैं, ठीक है। और सर कवर सेल ओपन करने में भी मदद करते हैं? कवर सेल डेफिनेटली बेटा ओपन हो जाएगा मैच्योरिटी जैसे ही आ जाती है, जैसे म्यूसिलेज अंदर बनने लग जाता है तो ऑब्वियसली बेटा कवर सेल ओपन होता है और निकल जाता है, ठीक है। यस सर, ये रहा कि हाँ वेंटर कैनल सेल है, नेक कैनल सेल है, ये डिसॉल्व होके केमिकल्स में चेंज होता है कि केमिकल्स ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं उसमें? देखो इनमें तो साइटोप्लाज्म है ऑब्वियसली बेटा, उनमें पहले कुछ मॉडिफिकेशंस होते होंगे ताकि जब भी ये डिसॉल्व होंगे तो उनके जो साइटोप्लाज्म है उनमें से ये केमिकल्स रिलीज होना शुरू हो जाए, ठीक है। यस सर, बहुत बढ़िया। तो बेटा यहाँ पे अगर ये आपको पूरी कहानी पता है, सारी चीजें अगर मैंने आपको बता दी है, तो ये रहा बेटा ब्रायोफाइट का पूरा जो भी चीजें हैं। अब इसमें रहा क्या पता है, ब्रायोफाइट में लाइफ साइकिल पढ़नी है हम लोगों को, हैप्लोडिप्लोंटिक लाइफ साइकिल हमें पढ़नी है, लिवर वर्ट की और मोसिस की दोनों की अलग अलग, ठीक है, किस तरह से चेंजेस आते हैं, क्या होता है, ये हमें देखना है। और बेटा उसके बेनिफिट क्या है ब्रायोफाइट के, ये भी हमें पढ़ना है। तो देखो हम लोग अगर बात करते हैं यहाँ पे, किधर गया भाई, ओके ये है। तो देखो ये सारी चीजें मैंने बता दी आपको, ऑल द थिंग्स आई हैव टोल्ड यू, ठीक है। इसके बाद में ये देखो यहाँ पे एक चीज मैं और बताना चाहूंगा, ये क्वेश्चन पॉसिबली आता है बेटा कि मर्केंशिया डायोशियस है या मोनोएशियस है, क्या मतलब होता है पता है डायोशियस और मोनोएशियस का? शायद मैंने आपको बताया था, एक ही प्लांट बॉडी के ऊपर दोनों ही सेक्स ऑर्गन अगर प्रेजेंट हो तो उसको मैं मोनोएशियस कंडीशन कहता हूं, बट अगर मेल और फीमेल प्लांट बॉडी डिफरेंट हो तो उसे मैं डायोशियस कंडीशन कहता हूं। मेरा अभी क्वेश्चन सिंपल है आपको, मर्केंशिया मोनोएशियस होता है या डायोशियस? डायोशियस है, क्योंकि उसकी एग्जैक्टली उसकी फीमेल थैलस, और ये क्वेश्चन बेटा बिल्कुल अलग अलग है। तो ये क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर्स में नीट में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, कि मर्केंशिया इज डायोशियस। इसके अलावा रिक्शा होता है ना, रिक्शा दूसरा लिखा था मैंने, पता है आपको, मर्केंशिया के बाजू में एक लिखा था रिक्शा, वो मोनोएशियस होता है। वो कैसा होता है? मोनोएशियस होता है, ठीक है। सो नॉर्मली यहाँ पे बिल्कुल आपको ये क्लियर करना है कि है ना, सिर्फ आपको मर्केंशिया का ही क्वेश्चन आएगा। एक और चीज आप देखो, वो है ना डायग्राम पूछ लेते हैं, डायग्राम मतलब ये कैसा आएगा ना, ये देखो यहाँ पे डायग्रामेटिक क्वेश्चन आता है, ये पता है आर्किगोनियो फोर लिखा है और लिखा है एंथ्रेडियो फोर, फोर का मतलब ब्रांच होता है, ये इसके ऊपर ये ब्रांच आया और इस ब्रांच के ऊपर बेटा बहुत सारे एंथ्रेडिया होंगे इसलिए इसको बोलते हैं एंथ्रेडियो फोर। यहाँ पे एक ब्रांच आया और इस ब्रांच के ऊपर आप देखो बेटा बहुत सारे आर्किगोनिया होते हैं इसलिए इसको बोलते हैं आर्किगोनियो फोर। क्या आप पहचान पाओगे अगर एग्जामिनेशन में डायग्राम पूछी जाएंगे तो, क्योंकि नीचे वाला बिल्कुल सेम टू सेम है। सर पहचान सकते हैं बिकॉज़ उसमें प्लेटलेट, कैसे पहचान को पता है, ये अजीब सा अलग सा स्ट्रक्चर है, देखो ऐसा और आड़ा टेढ़ा कितना भी बना दिया आमलेट जैसा, बराबर ऐसा लगता है आमलेट फैला दिया, बट इसको देखो बड़ा ही अच्छा फ्लावर जैसा दिखाई देता है, तो जो एकदम फूल सा सुंदर है बेटा वो फीमेल है और जो आमलेट जैसा है वो मेल है, करेक्ट है? है ना, हाँ बढ़िया है। सो दिस इज व्हाट द थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड, है ना, ये पूछा जाएगा एक बार एग्जामिनेशन में, बिल्कुल ये डायग्राम दी गई है फीमेल थैलस की, है ना, ये आपके नीट में पूछा गया है, तो आपको बस पहचानते आना चाहिए कि कौन सा फीमेल प्लांट है या मेल प्लांट है, ये उन्होंने पूछा है। आगे देखो इसकी पूरी लाइफ साइकिल है आपके सामने, ठीक है, वो मैं बिल्कुल डेफिनेटली बेटा हम लोग डिस्कस करेंगे, आज इस चीज को हम लोग नहीं डिस्कस करेंगे, ठीक है, क्योंकि इतना ज्यादा आप लोग झेल नहीं पाते हो एक ही दिन में, ठीक है। तो मैंने मैक्सिमम चीजें आपको बता दी है, तो नेक्स्ट क्लास में मेरे प्यारे बच्चों हम ब्रायोफाइट का हैप्लोडिप्लोंटिक लाइफ साइकिल दोनों में पढ़ेंगे और उसके बाद में उसके सिग्निफिकेंस देखेंगे और उसके बाद डेफिनेटली बेटा हम टेरिडोफाइट के बारे में भी नेक्स्ट क्लास में जरूर पढ़ेंगे, ठीक है। तो क्या बेटा कोई आपके पास डाउट है तो आप पूछ सकते हो।
सर आप नोट्स भेज दोगे ना? कौन से नोट्स भेजने हैं? आज के क्या नोट्स है? आज के तो कोई नोट्स ही नहीं बना है सर, वो थे ना थोड़े से। कौन से थोड़े? सर मतलब हम रोज थोड़ा राइटिंग वर्क भेजता हूँ, पता तो है ना। अब जब हमेशा ही भेज ही रहा हो तो क्या पूछना है उसमें, बार बार भेजो कि क्या आएगा, क्या क्वेश्चन पूछो, डाउट पूछो, ये सब कितने बार पूछोगे आप, है ना? कौन सा बुक यूज करे सर, कितने बजे उठ के पढ़े सर, कंफर्म कर रहे कि सर आप भेज रहे होगे ना? मत करो, मैं आपको पूछ रहा हूँ, डाउट पूछो बेटा, जस्ट आस्क डाउट्स। डाउट जितना पूछोगे उतना अच्छा है, तो मैंने टाइम ही इसलिए दिया है आपको कि आप डाउट पूछो। अगर आप डाउट नहीं पूछना चाहते तो मैं आपको एक सीधा और सिंपल पॉइंट यहाँ पे बताता हूँ, लेट्स अंडरस्टैंड दिस, ठीक है? मैं ये क्यों बोलता हूँ ना, मैं इसीलिए बोलता हूँ कि मैंने इतने सालों से बेटा रिजल्ट देखे हैं, ठीक है? नाउ अंडरस्टैंड दिस। अब देखो बेटा यहाँ पे नॉर्मली यहाँ पे एक देखो, ये सिंपल सा क्वेश्चन है मेरे सामने, ये 1999 का क्वेश्चन है, ये AIPMT का क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है? नाउ अंडरस्टैंड दिस। अच्छा ये है क्वेश्चन, क्या आप इसका जवाब दे पाओगे ना? क्या आप इसका जवाब दे पाओगे? यस सर। क्या है बताओ, आंसर बोलो। बी सर। बी कैसे? डोमिनेंट तो गैमोफाइट होता है सर, मेरे को डी लग रहा है। डी, मैंने डी बोला। डी ही बोल रही है, वो भी डी बोल रही है। डी ये ए बी सी डी बोलते हो ना, तो बड़ा प्रॉब्लम होता है। देखो यहाँ पे हमें कभी भी हमें ये लेना है कि देखो स्पोरोफाइट ऑफ लॉन्गर ड्यूरेशन बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि ये ज्यादा दिन टिकता नहीं है, क्योंकि ये रिसेसिव है, ठीक है? डोमिनेंट फेज ऑफ स्पोरोफाइट विच इज पैरासिटिक। देखो बेटा स्पोरोफाइट पैरासिटिक है ये करेक्ट है, बट इट इज नॉट डोमिनेंट, ये रिसेसिव है इसलिए इनकरेक्ट है। डोमिनेंट फेज ऑफ गैमेटोफाइट ये सही है, पर आगे क्या लिखा है? विच प्रोड्यूसेस स्पोर्स, यहाँ पे क्या होना चाहिए था? विच प्रोड्यूसेस गैमेट्स, ऐसा होना चाहिए था, इसीलिए ये इनकरेक्ट है। तो बचा एक ही, क्या बेटा? स्मॉल स्पोरोफाइट फेज बराबर जनरली पैरासिटिक ऑन गैमेटोफाइट, ये सही है। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। आगे आपको yes, समझ में आ रहा है? Yes, ये है, तो मैं बोल रहा हूँ आप क्वेश्चन सॉल्व करो, ठीक है? ये देखो आप कितना सिंपल क्वेश्चन है बेटा, अब भी मैंने पढ़ाया है, ये नीट का क्वेश्चन है 1999 AIPMT का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट ब्रायोफाइट्स? दे प्रोसेस आर्किगोनिया, दे कंटेन क्लोरोप्लास्ट, दे आर थैलॉइड। क्या हो सकता है? बिल्कुल सही, देखो ये आंसर है ऑल ऑफ दीज। वो ग्रीन है तो उनमें क्लोरोप्लास्ट है, उनमें आर्किगोनिया, आप भी पढ़ा बेटा आर्किगोनिया मतलब फीमेल्स है और उनकी थैलस बॉडी होती है, हो गया, है ना? आसान क्वेश्चन। Yes, sir. अभी ये देखो, अभी ये क्वेश्चन का आप जवाब नहीं दे पाओगे तो कमाल हो जाएगी आपकी। बताओ ब्रायोफाइट्स आर डिपेंडेंट ऑन वाटर बिकॉज, ऑप्शन डी, वाटर इज एसेंशियल फॉर फर्टिलाइजेशन फॉर देयर होमोस्पोरस नेचर, ये सही नहीं है क्या? क्या होगा इसका आंसर सर? ऑप्शन ए, वाटर इज एसेंशियल फॉर देयर वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, the sperms can easily reach up to egg in the archegonium, archegonia has to remain filled with water for fertilization. Sir, see, sir, I think D. अब ये इस sir, question D. का answer आप इस question का answer आप तब दोगे ना जब मैं इसको आपका haplodiplontic life cycle पूरा पढ़ाऊंगा, इसका पूरा life cycle पढ़ेंगे, समझ रहे हो ना आप ये, ठीक है? Now, right now, if you solve the questions, ये आपके लिए जरूर doubt होना चाहिए, क्योंकि इसमें आप sure answer पे नहीं पहुंच पा रहे हो। पहुंच पा रहे हो क्या? हाँ बोलो, आए कुछ बोल रहे थे बेटा। Yes sir, अभी ऐसा लग रहा है कि दो तीन options correct है। वही मैं बता रहा हूँ। अब इसके लिए actually proper knowledge मतलब proper study होना आज बिल्कुल जरूरी है। तो मैं आपको आईना दिखा रहा हूँ क्या नीट है क्या नहीं है। ले हम लोग बात करते हैं, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है यहाँ पे, देखो ये वाला क्वेश्चन है, इसका आंसर है ना मैं यहाँ पे मिटा देता हूँ। ओके नाउ दिस इज, ये दो क्वेश्चन है बेटा, यहाँ पे आप देख सकते हो आज के दो क्वेश्चन के आंसर दे सकते हो। पहला यहाँ पे है 44th,
The एंथेरोजॉइड of the Funaria are, अभी Funaria जो होते हैं वो मॉसेस के एग्जाम्पल होते हैं, ठीक है, बताओ कैसे होंगे? Ociliated, flagellated, multiciliated, monociliated. ये तो biflagellated लिखते तो और भी अच्छा था, है ना? आया ना आंसर, आ जा है। अभी ये बताओ, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन स्पायरोगायरा इज एन एडवांस्ड फीचर बिकॉज इट शोज। अब मैंने आपको इतनी बार बताया एक ही स्टेटमेंट, किसका? स्पायरोगायरा का। वो क्या था, क्या स्टेटमेंट मैंने बताया बच्चों? नॉन मोटाइल। हाँ एक्सैक्टली, स्पायरोगायरा डू नॉट प्रोड्यूस एनी मोटाइल गैमेट, बराबर। अब पहले इसे रिजेक्ट करोगे कि नहीं? सी भी नहीं होगा। अब बचते हैं ए और डी। सर ऑप्शन डी शायद। अरे आपको याद है ये वाला वर्ड मैंने बताया था, आई से कू, क्या था ये? आइसोगैमी कहाँ का देखने को मिलती है? स्पायरोगायरा, एक्टोकार्पस, क्लैमाइडोमोनास, यूलोथ्रिक्स, बताया था ना ये? आई का क्या मतलब होता है? आइसोगैमी है ना। अब बेटा आइसोगैमी में क्या है, आइसोगैमी में कौन सा सूटेबल लगता है आपको, ए या डी? सर डी। मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट सेक्स ऑर्गन्स होंगे नहीं उसके, मॉर्फोलॉजिकली वो सेम होने चाहिए तभी आइसोगैमी होगी। फिजियोलॉजिकली डिफरेंशिएटेड मतलब मैं उसको एक को प्लस एक माइनस मान लेता हूँ, बात समझ रहे हो? यस सर। ओके सर, नहीं समझा। सिंपल है, देखो कोई भी आइसोगैमी का मतलब मुझे बाहर से वो दोनों ही जो गैमेट्स है वो एक जैसे दिखाई दे रहे हैं, सेम टू सेम, अलग नहीं दिखाई देते। अब मैं जब वो यूनियन होता है तो मैं एक को प्लस और एक को माइनस मानता हूँ, तो जब एक्शन है, एक्शन फंक्शन के हिसाब से मैं बोलता हूँ चलो ये डिफरेंट है, बट बेटा मॉर्फोलॉजिकली वो तो सेम ही एग्जैक्ट है, दे आर नॉट डिफरेंट। सर नो, तो मॉर्फोलॉजिकली मतलब कैसा दिखता है? बाहर से बेटा स्ट्रक्चर उसके एक जैसे होंगे तभी तो आइसोगैमी बोलते हैं। मतलब सर उसका फिजिकल स्ट्रक्चर? बिल्कुल, नॉट फिजियोलॉजिकल। फिजियोलॉजिक मतलब होता है फंक्शनल, फंक्शन के हिसाब से वो अलग है ना। अगर मैं एक को मेल मानता हूँ तो एक को फीमेल मानता हूँ, ऐसा होगा ना, ठीक है? तो यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन जो है बेटा डेफिनेटली हमें क्या करना पड़ता है, धीरे धीरे इवॉल्व होंगे हम लोग, अभी इनको डिस्कस करेंगे हम लोग तो हमें अच्छे से समझ में आएगा, अच्छा ऐसा है, ये है, वो है। बेटा देखो अभी ये वाले क्वेश्चन का आंसर तो आप दे ही नहीं सकते क्योंकि अभी तक पढ़ा ही नहीं है, ठीक है? ओके, ये भी आप लोगों ने पढ़ा नहीं है तो ये देखो यहाँ पे। ओके नाउ दिस इज द क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ बता सकते हो ये क्वेश्चन का आंसर? चलो इसका आंसर बताओ। यस सर, बी ऑप्शन। In a moss, the sporophyte क्या कर देगा? Sporophyte sir, D. produces gametes that give rise to the gametophyte. ये है क्या? नहीं हो सकता। No. Arise from a spore, ये भी नहीं होता। Manufacture food for itself as well as नहीं करता। It's partially parasitic on the gametophyte. ये होता है। अब ये मैंने आपको अभी तक explain नहीं किया है, फिर भी आप थोड़े अंदाजे से elimination करके भी ये answer आता है, ठीक है? ये बेटा हम लोगों को नेक्स्ट क्लास में पढ़ना है, एंड देन वी विल सी द क्वेश्चंस दैट वी हैव। नाउ सपोज यहाँ पे ये क्वेश्चन आता है, मुझे एक बात बताओ, अगर मैं ये क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ यहाँ पे है 28, द प्रोडक्ट ऑफ कंजुगेशन इन स्पायरोगायरा और द फर्टिलाइजेशन ऑफ क्लैमाइडोमोनास इज। ये क्वेश्चन है बहुत पुराने, 1991 के, ठीक है? इनके क्वेश्चन कैसे आंसर देने हैं, क्योंकि देखो ये एनसीईआरटी से बिल्कुल रिलेट नहीं करता, बड़ा अजीब सा लगता है ना, क्या चीज होगी क्या नहीं होगा ये हमें देखना है। और देखो जब भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, मैंने आपको ये क्लियर बताया था कि जायगोस्पोर और जूस्पोर में डिफरेंस करना आपको आना चाहिए। आपको याद है मैंने जूस्पोर और जायगोस्पोर के बारे में बताया था?
Yes, sir. मैंने कहा था ना कि ज़ूस्पोर हमेशा असेक्सुअल स्पोर होते हैं और ज़ाइगोस्पोर सेक्सुअल स्पोर होते हैं, ठीक है। तो बेटा क्या बनता है, क्या होता है, ये सब हमें बिल्कुल बिल्कुल अच्छे से समझना है। सर फिर आंसर अच्छा, ये बताओ, ये क्वेश्चन का आप बिल्कुल सही से जवाब दे सकते हो। पायरेनॉइड्स आर द सेंटर्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्टार्च। बिल्कुल बढ़िया हो गया, ये क्वेश्चन का जवाब आप दे सकते हो, ठीक है। ये बहुत ही नॉर्मल है, ठीक है, ये भी आप बता सकते हो, ये भी आसान है। द क्लोरोप्लास्ट ऑफ द क्लैमाइडोमोनास इज स्टेलेट, कप शेप, कॉलर शेप, स्पाइरल। कप शेप। क्लैमाइडोमोनास ऐसा होता है, ऐसा होता है, और ये कैसा, मैंने बताया था ना क्लैमाइडोमोनास, आज ही तो दिखाया मैंने, कप शेप है, ठीक है। सो बेटा यहाँ जो चीजें हैं ना, मतलब आपको आंसर देने के लिए क्या करना है, इसको हम धीरे धीरे लेंगे। अभी तो मैं एनसीईआरटी में जो जो चीजें वो एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसीलिए जब आप ये सब में लगे रहोगे ना, सर ये हुआ क्या, वो डोंट डू दैट, सुपरफिशियली कुछ नहीं होता, जस्ट गो इनटू इट, रीड योर वे, मेक योर नोट्स, बिकम कॉन्फिडेंट, देन यू आर एबल टू स्कोर मोर देन 340 मार्क्स इन बायोलॉजी, ठीक है। जब तक आप स्पोरोफाइट जैसे बने रहोगे ना, डिपेंडेंट, सर भेजो, सर बताओ, सर ये नहीं, आप डाउट पूछो दुनिया भर का, ये आप डाउट लेके आओ, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, बोलो ये है, ऐसा होता है, ऐसा होता है, ये होता है, क्योंकि मैंने इतने दिनों से डेफिनेटली है ना ये जरूर देखा है बेटा,